Hi everyone, welcome to an academy. My name is Seep Pauja. Can you all hear me properly and see me? Hi guys, hi. एक बार फटाफट से कंफर्म कर दो सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर रॉकिंग सेशन रॉकिंग क्रैश कोर्स जिसमें वी विल बी कवरिंग होल बायोलॉजी क्लास 11th क्लास 12th बॉटनी जूलॉजी राइट हियर ऑन दिस चैनल. चैनल का नाम है अन अकेडमी नीट. तो सबसे पहले बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए एंड रेडी हो जाइए फर्स्ट डे के साथ. फर्स्ट डे हमने क्लास 11th का बेसिक टॉपिक चूज किया है. ये चैप्टर का नाम बच्चे ढूंढ रहे थे कि कौन सा चैप्टर है. बेटा जी इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के दो हिस्से हैं. पहला है एनिमल टिश्यू और दूसरा पार्ट है बेटा जिसमें बहुत सारे एनिमल्स के बारे में बात की हुई है. कॉकरोच अर्थवर्म फ्रॉग. तो हम इस चैप्टर को दो भागों में ही पढ़ते हैं. पहला भाग हम आज करने वाले हैं दैट इज एनिमल टिश्यू जिसमें हम एनिमल्स में पाए जाने वाले टोटल चार तरीके के टिश्यू उसका डिटेल करने वाले हैं. इस सेशन के तुरंत बाद आपको मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे. साथ ही में बेटा मैंने कुछ माइक्रो नोट्स बनाए हैं जैसे मैंने आपको कल दिखाया था. समरी एक तरीके से आप सोच सकते हैं माइक्रो नोट्स बनाए हैं. तो हर चैप्टर के इस तरीके के आपको माइक्रो नोट्स भी राइट आफ्टर द सेशन मिल जाएंगे. मैं पढ़ाऊंगी बेटा हैंड रिटन मोड में ही क्योंकि मुझे लगता है बिना हाथ से लिखे कोई बात नहीं बनती है. लेकिन आपको माइक्रो नोट्स भी मिल जाएंगे और चैप्टर के चैप्टर खत्म होने के तुरंत बाद आपको मिलेगी सिलेक्टेड क्वेश्चंस की डीपीपी ऑफ दिस चैप्टर. प्रॉपर डीपीपी है जिसमें हर टाइप के क्वेश्चंस है. एजर्शन रीजन है, सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है. देर आर मेनी 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 सवाल. अब मैं सारे अभी दिखा दूंगी तो तुम बाद में क्या सॉल्व करोगे. ठीक है जी. तो ये सारी चीजें मिलेंगी और पीवाईक्यूज की शीट भी इस डीपीपी में ही एडेड है. ये सारी चीजें आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी. टेलीग्राम मेरे नाम से 160,000 तकरीबन बच्चे हैं उसमें आके जुड़ जाना और हम लोग शुरू करते हैं बेटा आज का सेशन. आर यू रेडी? एक बारी अपनी एक्साइटमेंट का लेवल कैसे बताओगे? सेशन को लाइक करके बता दो एंड फटाफट से अपने मेरी फेवरेट इमोजी भेज दो इस चैट सेक्शन में. अब क्या यहीं तक सीमित है हमारा वन डे वन चैप्टर? नहीं बेटा, रोज हमारी क्लास होगी. टाइमिंग्स रहेंगे 12 बजे. इस थ्योरी क्लास के बाद मैं आपको वो शॉर्ट नोट्स माइक्रो नोट्स और साथ में डीपीपीज दूंगी और उसके बाद 5 बजे हमारी मॉक टेस्ट की क्लास होगी जिसमें फुल सिलेबस का मॉक है. यार अब फुल सिलेबस का मॉक रहेगा. डीबीबी तो चलो तुम्हें पता है चैप्टर वाइज मिल रही है बट जो मैं मॉक लाइव आके लूंगी वो आपका लूंगी फुल सिलेबस का क्योंकि अब तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी. क्लास 11th भी है 12th भी है एवरीथिंग की आदत अपने को डालनी है. उसका लिंक मैंने यहां पर पिन कर दिया है. जाओ और उसमें एनरोल कर लो. मस्ट 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 है. आज शाम को 5 बजे से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं. ये फास्ट ट्रैक सीरीज ही है क्या? देखो यार पैकेट का रैपर बदल दिया है, अंदर वही है, फास्ट ट्रैक ही है, वही ले लो. तुमको जो नाम देना है तुम दे दो. फास्ट ट्रैक नाम देना है, स्लो ट्रैक नाम देना है, सुपर फास्ट ट्रैक नाम देना है, कुछ भी दे दीजिए. बट द थिंग इज एक दिन में हमारा एक चैप्टर होना चाहिए. बस ये चीज है हमारी. ठीक है, मेरा तुम चाहे डिटेल सेशन देखो, मेरा वन शॉट देखो, वन डे वन चैप्टर देखो, फास्ट ट्रैक देखो, आप हमेशा नोटिस करेंगे मैम कोई भी चीज मिस नहीं करती है. ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर. पूरी की पूरी एनसीईआरटी बेटा आप यहीं पर आज अभी याद करके जाएंगे. ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये आप करके जाएंगे. ठीक है जी. अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक अपडेट दी थी. आप मेरी आवाज से पहचान रहे हैं कि मैम की आवाज को क्या हो गया. तो यार अभी बड़ा सेंसिटिव है मेरा गला तो जस्ट बियर विद इट. थोड़ी सी फटी फटी हो रही है, हो जाएगी ठीक. आई एम अंडर मेडिकेशन, इट विल बी फाइन. हाँ मैं क्या बता रही थी, वॉट वॉज आई टेलिंग, क्या बता रही थी भूल गया मुझे. चलो हाँ मैं बता रही थी एनसीईआरटी बेटा आप इस क्लास में याद करके ही जाएंगे. इस क्लास में तुम्हारे आने का बस पर्पज ये होना चाहिए कि बायो की बस में दिन में एक क्लास लगाऊंगा, सीप मैम के साथ लगाऊंगा, एक प्रैक्टिस क्लास लगाऊंगा, 3 घंटे दूंगा टोटल बायो में, 3 से कम भी हो सकते हैं किसी दिन, 3 घंटे दूंगा और इस 3 घंटे के अलावा मैं अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री करूंगा क्योंकि मेरी क्लास ऐसी है जिसमें तुम आओगे लर्न करके जाओगे. उसके बाद तो बायो में कुछ और देखने की जरूरत नहीं है. ईच एंड एवरी टॉपिक डिटेल वुड बी कवर्ड इन दिस ओनली. आर यू रेडी गाइज? आर यू रेडी? यस. कोई मैराथन नहीं है बेटा. मैराथन क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों? हां जी दिन में एक एक दिन करके करो यार. एक दिन ज्यादा कर लिया फिर ढह गए फिर सो गए, क्या मतलब है यार, क्या मतलब. मैं हमेशा बोलती हूं खरगोश नहीं बनना, कछुए की चाल चलनी है. कछुआ कैसे हर दिन धीरे 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 धीरे. अब एक दिन तुमने अचानक से 10-20 घंटे पढ़ लिया फिर अगले दिन बेटा 2 दिन तुम बेड पे सोए पड़े हो, कोई फायदा नहीं है.
कछुआ बनिए, मेरी तरह कछुआ बनिए, मैं कछुए की तरह ही काम करती हूँ, क्योंकि ऐसे ही काम होता है। आपकी एनर्जी मेंटेन होना जरूरी है। यू आर नॉट हेयर फॉर वन डे, यू आर हेयर फॉर होल लाइफ। ठीक है, मैं यहाँ एक दिन के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ, तुम यहाँ एक दिन के लिए नहीं पढ़ रहे हो, हम पूरी लाइफ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रेशर हैंडलिंग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यार सफल वही होता है जो कछुए की चाल चलता है। एक एक स्टेप रखी जाओ, सारे खरगोश जो तेजी से भाग रहे हैं सब पीछे रह जाएंगे, तुम्हें पता ही है। कहानी किसने नहीं सुनी, तो वो कहानी एक्चुअल में रियल कहानी है। ठीक है, तो हर दिन एक एक चैप्टर करके करेंगे ताकि कुछ समझ भी आए, कुछ अंदर भी जाए, अच्छे से हम उसको लर्न कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए और उसके क्वेश्चंस निकाल पाए। रेडी बच्चों, चलो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट, एक बार फटाफट से जोश बता दो, मुझे दिख क्यों नहीं रहा। यस, कल हम क्या करने वाले हैं? हाँ, कल का भी मैं पहले बता दूं स्केड्यूल। अब आपको मैंने ये दिखा दिया है, आपको मैंने ये दिखा दिया है, माइक्रो नोट्स दिखा दिए, आपको डीपीपीज दिखा दिए। कल क्या करेंगे पहले बता देते बेटा, ह्यूमन फिजियो करेंगे। अब आपने हाल ही में मेरे से डाइजेशन करा था, तो मैं डाइजेशन थोड़ा सा दोबारा कराऊंगी, लेकिन थोड़ा लेट कराऊंगी। कल मैं ब्रीदिंग, देन बॉडी फ्लूइड्स, देन नर्वस सिस्टम, देन केमिकल, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कल करने वाले हैं। यानी कि हम ह्यूमन फिजियो पकड़ेंगे, इसके बाद फिर हम प्लांट फिजियो पकड़ेंगे, फिर हम एनिमल किंगडम, मतलब सब करना है यार, सब करना है। इसमें क्या है, एक चीज पहले एक चीज बाद में। यस बच्चों, सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, आई होप यू ऑल आर टू, एंड लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर इन क्लास 11th, दैट इज गोइंग टू बी एनिमल टिश्यू। हां जी बेटा जी, टिश्यू होता क्या है? सबसे पहले अगर आप पेन पीपीएफ लेकर आ गए, पीपीएफ क्या होता है? पेन पेपर फोकस। पेन पेपर फोकस लेके आई होप आप लोग आ चुके हैं, एंड उस फोकस के साथ शुरू करते हैं अपना वन डे वन चैप्टर का सीरीज। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो तुम उसको। चैप्टर का नाम है एनिमल टिश्यूज। टू द पॉइंट बेटा, पिन पॉइंट बात करेंगे, ना कुछ एक्स्ट्रा ना कुछ कम। ठीक है, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल जो नीट में आना है उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये टिश्यू होता क्या है, सब बच्चे मेरे को साथ साथ आंसर दे, व्हाट इज अ टिश्यू? एवरीवन विल गिव मी राइट आंसर। टिश्यू क्या है? टिश्यू एक वो जुट है सेल का, इट इज दैट ग्रुप ऑफ सेल्स। हाँ जी, एक वो ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसका ओरिजिन क्या है, सेम, जिसका सिमिलर ओरिजिन है। पहली चीज, सिमिलर ओरिजिन है। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, जिसका फंक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है, और शक्ल में सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये कोई प्रॉपर कंडीशन नहीं है। स्ट्रक्चरली दे कुड बी सेम और स्ट्रक्चरली दे कुड बी डिफरेंट। एग्जांपल ऑफ एनी टिश्यू जिसमें स्ट्रक्चर अलग है सेल का, जाइलम, फ्लोएम, उसमें आप देखते हैं वेसल, ट्रकीट, भैया इनकी शक्ल अलग है। फ्लोएम में आप देखते हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा, फाइबर्स, इन सब की शक्ल क्या है, अलग है, लेकिन उनका ओरिजिन क्या है, सेम है। काम वो मिलजुल कर क्या करते हैं, सेम करते हैं। उस ग्रुप को अपने लोग क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। एंड द स्टडी ऑफ टिश्यू, बच्चों देखो चैट सेक्शन में अगर बात होगी, चैट सेक्शन में अगर आंसर आएंगे तो सिर्फ मैम से बात होगी, आंसर किसके आएंगे, जो चीज मैं तुमसे पूछ रही हूं सिर्फ उसके आंसर आएंगे। तो चैट सेक्शन भर जाना चाहिए, चैट सेक्शन में बेटा कमी नहीं होनी चाहिए तुम्हारे जोश की। तुम्हारा जोश है तो मेरा है, यू आर माई मोटिवेशन, आई एम योर मोटिवेशन, मिलजुल कर बेटा एकजुट होकर काम करेंगे। ठीक है, तो मोटिवेशन के साथ बढ़ते हुए, हाँ जी, स्टडी ऑफ टिश्यूज उस ब्रांच ऑफ साइंस को क्या बोलते हैं, उस ब्रांच ऑफ साइंस को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यूज, इट इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। एंड द टर्म टिश्यू वॉज गिवन बाय बाइकैट, लेकिन इसको बॉटनी में ग्रू ने ऑलरेडी ये टर्म दे दी थी। तो टर्म का अगर मैं क्रेडिट दूं तो किसको देंगे हम, बाइकैट को दो, लेकिन बेटा ग्रू ने ये टर्म ऑलरेडी बॉटनी के टर्म्स में दे दी। ठीक है जी, फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी कौन है अपने, बाइकैट ही है। तो ये है फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यार बिशात बोल लो या कुछ बोल लो, यही इनके स्पेलिंग है भैया, देसी आदमी है, बोलने में गलती हो सकती है, लिखने में गलती हमसे नहीं होगी। ठीक है, लिखने में गलती हमसे नहीं होगी, यही है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। अब अगर ह्यूमन बींग्स में बात की जाए तो कितने तरीके के टिश्यूज हैं, कितने तरीके के टिश्यूज हैं। सबसे पहला टिश्यू जो आज हम करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी एपिथेलियल टिश्यू। ये सारे नोट्स बेटा आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट बेटा अपने पास है मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। देन अपने पास है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, सीटी बोलूंगी बेटा मैं इसको, इसको विसल वाली सीटी मत समझना, ये कौन सी वाली सीटी है, ये कौन सी वाली सीटी है, कनेक्टिव टिश्यू वाली सीटी है, वो नहीं कि सीटियां मार रहे हैं, नहीं बेटा सीटियां नहीं मारेंगे। एंड आखिरी तरीके का टिश्यू हम करेंगे नर्वस टिश्यू। ठीक है,
कौन सा टिश्यू अपने लोग करने वाले हैं, नर्वस टिश्यू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बेटा, फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज बच्चों गोइंग टू बी एपिथेलियल टिश्यू। ये आपको मैंने इसकी समरी यहां पर एपिथेलियल टिश्यू की दे दी है, जो मोटी मोटी बातें एनसीईआरटी करता है। अब मोटी के अलावा थोड़ी पतली बातें भी हम लोग देख लेते हैं, हर टाइप की बात हमने देखनी है, ठीक है। आ जाइए एपिथेलियल टिश्यू पे। आपको मैं इसकी खास बात बताऊं बेटा, एपी यानी कि अपॉन किसी चीज के ऊपर, ये एक ऐसा टिश्यू है जो हमारी बॉडी की सरफेस के ऊपर, हमारे ऑर्गन्स की लाइनिंग के ऊपर पाया जाता है। यानी कि ये जो टिश्यू है, ये वो टिश्यू है विच इज प्रेजेंट लाइनिंग आवर बॉडी कैविटी। ये देखो, ये हमारी बॉडी है, तुम्हारी बॉडी आज क्या है, सिलेंडर है। सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, मेरी बॉडी इमेजिन करो एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के बाहर ये जो टिश्यू है ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है जी। अब इस बॉडी के अंदर क्या है, ऑर्गन है। तो एक ऑर्गन में सर्कल की तरह बना लेती हूं, मान लीजिए ये आपका ऑर्गन है, इसको बड़ा कर देते हैं, ये आपका ऑर्गन है। इस ऑर्गन की भी जो लाइनिंग है ये भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। अब दूसरी चीज, ऑर्गन और बॉडी लाइनिंग के बीच में ये खाली जगह क्या है, कैविटी। कैविटी की लाइनिंग भी कौन बनाता है, एपिथेलियल टिश्यू। ये जहां जहां मैं सेल बना रही हूं ना, ये सब एपिथेलियल टिश्यू है। ऑर्गन्स की लाइनिंग, इंटरनल लाइनिंग भी कौन बनाता है, एपिथेलियल टिश्यू। यानी कि आपकी बॉडी के बाहर और जस्ट अंदर, आपके ऑर्गन के बाहर और जस्ट अंदर कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। इसका ओरिजिन बड़ा हैरानी वाली बात है, ये एक अकेला, यस क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही, अब आ रही होगी, बाल अड़ जाते हैं बेटा, अब आ रही है, यस ठीक है ठीक है, ओके हाँ जी। तो ये एक ये एक ऐसा टिश्यू है जिसका ओरिजिन एक्टोडर्मल भी है, मीजोडर्मल भी है और एंडोडर्मल भी है। अब देखो, एक्टोडर्मल वाला पोर्शन का होगा ये एक्टोडर्मल है, ठीक है। मीजोडर्मल वो होता है जो सिलोम को लाइन करता है, ये वाला और ये वाला आपका मीजोडर्मल हो गया। और एंडोडर्मल कौन सा हो गगया, जो बेटा अंदर वाली साइड है। यानी कि दिस इज द ओनली टिश्यू, ध्यान रखेंगे, ये एक अकेला ऐसा टिश्यू है जिसकी लाइनिंग, जिसका ओरिजिन एक्टोडर्म के द्वारा भी होता है, मीजोडर्म के द्वारा भी होता है और एंडोडर्म के द्वारा भी होता है। बेटा आने वाले बाकी टिश्यूज आप देखेंगे कि उनका ओरिजिन या तो एक्टो है या मीजो है, एंडो है, थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस के साथ, बट ये अकेला टिश्यू है जिसका ओरिजिन तीनों के द्वारा होता है। याद रहेगा। यानी कि ये एक ऐसा टिश्यू है विच लाइंस द बॉडी कैविटी, बॉडी की कैविटी की लाइनिंग बनाता है। ये एक ऐसा टिश्यू है विच लाइंस द ऑर्गन्स, ठीक है, किसको, ऑर्गन और ऑर्गन की बाहर वाली और अंदर वाली लाइनिंग बनाता है। क्या इतना समझ आया मेरे बच्चों, यस क्या इतना समझ आया। देखो, 2 घंटे मुझे तुम्हारे चाहिए, 2 भी नहीं, मैं बोलूंगी डेढ़ घंटा मुझे तुम्हारा चाहिए, 90 मिनट्स बस तुम मुझे दे दो, उसके बाद कुछ भी करते रहो मुझे फर्क नहीं है, बस फर्क हाँ पड़ेगा उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, राइट। चलिए, अब यार ये जो अपना एपिथेलियल टिश्यू है, ये एक ऐसा टिश्यू है Which rests on a non-cellular basement membrane. ये इसकी प्रॉपर्टी है बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज है जो अपने को ध्यान रखनी है, कि अपना जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके जितने भी सेल्स हैं, ध्यान देना, उसके जितने भी सेल्स हैं, ये मान लीजिए एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं, ये ऐसे नहीं बैठे हैं, ठीक है, इनको गद्दी चाहिए बैठने के लिए, राजा महाराजा हैं ये, क्या चाहिए इनको, गद्दी, जमीन पे नहीं बैठते हैं, इनकी गद्दी सेल से नहीं बनी हुई है, और उस गद्दी का नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या नाम रखोगे बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में ऊपर की साइड पर, बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा आगे 2 लेयर्स में डिवाइडेड है, इसको बोला जाता है बेसल लैमिना, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर है ये, किसकी, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो ये है बेसल लैमिना, और इसके नीचे बेटा एक नेटवर्क की तरह प्रेजेंट है, मान लीजिए ये देखिए, मैं नेटवर्क बनाऊंगी अभी। नेटवर्क के लिए वर्ड बायो में यूज होता है रेटिकुलर, क्या यूज होता है, रेटिकुलर। तो यार ये जो लैमिना है इसका नाम है रेटिकुलर लैमिना, ठीक है, रेटिकुलर लैमिना। तो यार बेसल लैमिना जो मैंने तुमको बताया ये किससे बना था, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। और ये जो रेटिकुलर लामिना है ये फाइबर से बना हुआ है, फाइबर्स, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, गद्दी। गद्दी क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, यस।
हाँ जी मेरे साथ साथ बोलेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स किस पर प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। सवाल आता है क्या इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई सेल है, बताएं क्या इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई सेल दिखाई दे रहा है, यस और नो, यस और नो, कम ऑन कम ऑन, क्या इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई सेल दिखाई दे रहा है? तुमको दिख रहा है? मुझे तो यार नहीं दिख रहा, मेरी तो आंखों से बाहर है, मेरी तो आंखों से बाहर है। कैन यू सी एनी सेल इन दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन? नहीं दिख रहा। दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एक्चुअली नॉन सेलुलर। एक भी सेल बेटा इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाता है, ठीक है, नहीं पाया जाता है। अब यार इस एपिथेलियल टिश्यू को मैं दो भागों में डिवाइड कर रही हूं, ये दो भाग मैंने यहां पर लिखे हैं, टू टाइप्स, भाग यानी कि टाइप्स। आई विल कीप ऑन यूजिंग हिंदी एंड इंग्लिश टर्म्स सो दैट अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं, आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं, आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए, ठीक है जी। तो एपिथेलियल टिश्यू, डिपेंडिंग कि यार ये सिंगल लेयर्ड है या फिर ये मल्टी लेयर्ड है, मैंने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट्स है जरा आप यहां पर ध्यान से देखेंगे। सिंपल बेटा वो होता है विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल, देख रहे हो, सिर्फ एक लेयर मैंने तुम्हारे सामने बना दी है, सिर्फ एक लेयर बेटा बनी होगी, इसको हम बोलेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू बेटा वो होता है जिसमें एक नहीं मल्टी लेयर है, एक लेयर हो गई, ठीक है, फिर इसके ऊपर एक और लेयर आ गई, फिर इसके ऊपर एक और लेयर आ गई, तो यार मल्टी लेयर ऑफ सेल है। अब बात आती है बॉडी में किस जगह पर सिंपल रखें, किस जगह पर कंपाउंड रखें। देखो मैं आपको बताऊं, मेरी क्लास में तुम रट्टे नहीं मारोगे ना, यहां कोई रट्टे नहीं बजते हैं कि मैं तुम्हें बोलूं इसकी लोकेशन याद कर लो, इसका फंक्शन याद कर लो, नहीं, कॉन्सेप्ट लॉजिक में बात करेंगे। बायो रट्टा नहीं है, बायो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझ लिया तो तुम्हें कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस फ्लो होगा। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो, एक है सिंगल लेयर्ड और एक है मल्टी लेयर्ड। क्या लगता है कहां पर बॉडी के सिंगल रखे, कहां पर बॉडी के मल्टी रखे? मल्टी अपन वहां रखेंगे जहां पर बॉडी को प्रोटेक्शन चाहिए, समझ रहे हो। जब राजा महाराजा होते हैं क्या उनके बाहर सिंगल दरवाजा होता है कि कोई भी आगे घुसा और चलो राजा जी मेरी बात सुन लो? नहीं, ऐसा नहीं होता। पूरा पैलेस होता है, बाहर एक गार्ड होता है बड़े गेट के बाहर, फिर आप अंदर आते हैं राजमहल पे, फिर वहां एक और गार्ड मिलता है, फिर और अंदर जाएंगे उनके दरबार में एक और गार्ड मिलता है, यानी कि मल्टी लेयर ऑफ प्रोटेक्शन राजा जी को मिलती है। वैसे ही आप हमारे प्राइम मिनिस्टर की प्रोटेक्शन देख लीजिए, क्या उसमें एक गार्ड होता है, एक बॉडी गार्ड लेके पीएम चल देते हैं? नहीं, मल्टीपल बॉडी गार्ड्स है, आपको पता भी नहीं चलेगा बेटा, सिविल ड्रेस में होते हैं, यू विल नेवर गेट टू नो। वैसे ही बेटा बॉडी को कंपाउंड एपिथेलियम वहां चाहिए जहां पर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन चाहिए। कहां चाहिए? यहां प्रोटेक्शन है ना, एक्सपोज्ड एरिया है प्रोटेक्शन, आपकी बकल कैविटी प्रोटेक्शन, जहां पर भी आपकी बॉडी बाहर के कॉन्टैक्ट में है वहां प्रोटेक्शन चाहिए। जैसे स्किन बाहर के कॉन्टैक्ट में है, बकल कैविटी में हवा बाहर से आ रही है बाहर के कॉन्टैक्ट में, नाक के अंदर हवा बाहर से आ रही है बाहर के कॉन्टैक्ट में है, वजाइना यूरेथ्रा उसमें हवा बाहर से जा रही है बाहर के कॉन्टैक्ट में, तो जहां जहां बाहर का कॉन्टैक्ट है वहां पर अपने को कंपाउंड चाहिए होगा। और सिंगल लेयर कहां डालेंगे? जहां अपने ने एक्सचेंज वगैरह कराना होगा, इधर से सामान इधर, इधर से सामान इधर, इस टाइप की जगह पर हमें क्या चाहिए? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू चाहिए, ठीक है। सिंगल लेयर एंड टू और मोर लेयर हमने देख लिया है। हां जी, अब करते हैं टाइप्स ऑफ सिंपल एंड देन कंपाउंड। आ जाओ बेटा, टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। सब बच्चे शाम को 5 बजे वाली क्लास जरूर लगाया, मैंने लिंक पिन किया हुआ है, मस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट मॉक टेस्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तुम आज एक क्लास लगा के देख लेना, बस मैं तो क्लियर बोलती हूँ, तुम ट्राई करके देखो, नहीं अच्छा लगे छोड़ देना, क्योंकि आपने मेरे ऑफलाइन मॉक टेस्ट देखे हैं, वन ऑफ द बेस्ट लिखे हैं मैंने। ऑनलाइन मॉक टेस्ट की आज तुम क्वालिटी देखोगे, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, ये घुमाने वाले क्वेश्चन होंगे, सिंपल होंगे येट कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। चलो 5 बजे मिलेंगे उसके लिए। सिंपल एपिथेलियम को बेटा, यानी कि वो एपिथेलियम जिसमें सेल्स सिंगल लेयर पे हैं, इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू मल्टीपल टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर लिया है। एक ही पेज पे बेटा सारी शेप्स लिखूंगी मैं, ठीक है, एक ही पेज पे मैं सारी शेप्स लिखने वाली हूं, तो ध्यान देना। ओके, तो बना दे, बना दिया, बढ़िया सा। पहला शेप जरा ध्यान देना, पहचानते जाओ, जिसको पहचान है वो बताते जाए। ओके, ठीक है, यस,
पहचान आ रही है मैंने क्या बनाया. दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ सेल विच आई हैव ड्रॉन. देन दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ सेल विच आई हैव ड्रॉन. देन दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ सेल विच आई हैव ड्रॉन. ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ सेल विच आई हैव ड्रॉन. अभी मैंने तीन ही तरीके के सेल्स बनाए हैं. ठीक है, तीन ही तरीके के. इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करना चाहती हूँ, रुक जाओ. यस, ओके. सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, मैंने भी बताई, वैसे पांच टाइप्स है, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप. सबसे पहली शेप, जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो, कैसी दिखाई दे रही है? बड़ी चपटे चपटे से सेल्स हैं, दिख रहे हैं? बहुत ही चपटे चपटे से सेल्स हैं, फ्लैटेंड सेल्स हैं. इन फ्लैटेंड सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर से देखोगे जैसे फ्लोर पर टाइल्स लगी हुई हैं. फ्लोर पर टाइल्स यानी कि पेवमेंट, एपिथीलियम जैसा कुछ, पेवमेंट पेवमेंट टाइप दिखाई देता है. ये जो एपिथीलियम है जिसमें चपटे चपटे सेल्स हैं, फ्लैट से हैं, टाइलों की तरह दिखाई दे रहे हैं, बच्चों क्या है? यस, ये कौन से सेल्स हैं? स्क्वामस एपिथीलियम है. ये कौन सा सेल है? ये कौन सा सेल है? स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम. जब भी मैंने स्क्वामस के साथ सिंपल लगा दिया ना, तो मतलब सिंगल लेयर. स्ट्रैटिफाइड लगा दूंगी तो मल्टी लेयर हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा. स्क्वामस एपिथीलियम है. क्या खास बात है स्क्वामस एपिथीलियम की? कि यार ये बड़े चपटे हुए हैं, फ्लैटेंड है. किसकी तरह प्रतीत होते हैं? टाइल्स की तरह प्रतीत होते हैं. इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? पेवमेंट एपिथीलियम भी बोला जाता है. याद रखना है इनका नाम पेवमेंट एपिथीलियम, क्योंकि जब तुम इन्हें ऊपर से देखो, ऊपर से देखो भैया, है ना, ऊपर से टॉप व्यू में हमने देखा तो यार इस तरीके से हमें टाइल्स की तरह दिखाई दिए, इस तरीके से टाइल्स की तरह दिखाई दिए, इसीलिए इनका नाम है पेवमेंट एपिथीलियम. कहां प्रेजेंट होंगे? पतले पतले सेल है, बॉडी में जरूरत कहां इनकी? बॉडी में इनकी वहां जरूरत है जहां पर आदान प्रदान कराना है. बहुत आसान आदान प्रदान इनसे हो जाते हैं, यानी कि एक्सचेंज. जहां पर भी मुझे एक्सचेंज कराना है तुम इसे डाल दो. अब एक्सचेंज यार गैस का भी हो सकता है, एक्सचेंज किसी चीज, यू नो, एक्सचेंज कुड बी ऑफ एनी मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड. फिल्टर टाइप कुछ कराना, छन्नी टाइप है ना, छन्नी में छोटे छोटे छेद होते हैं कि नहीं होते, तो छन्नी टाइप हमको यहां पर दिखाई दे रहा है. तो इसकी लोकेशन की बात करो, सबसे पहली लोकेशन रहेगी एल्वियोलाई ऑफ लंग्स. क्या रहेगी? एल्वियोलाई ऑफ लंग्स. क्या कराना है वहां पर? याद करो एल्वियोलाई ऑफ लंग बेटा. हां जी, सब बच्चे इस जरा डायग्राम को देखो. ये एल्वियोलाई ऑफ लंग में तुमको याद होगा कि इस तरीके से छोटे छोटे चपटे हुए न्यूमोसाइट्स थे कि नहीं थे. यहां क्या कराना था? गैस का एक्सचेंज, क्योंकि इसके नजदीक कौन बैठी थी? ब्लड वेसल बैठी थी. यहां से गैस इधर, ऑक्सीजन इधर, CO2 इधर. तो यार ये जो गैशियस एक्सचेंज है किसने कराया? स्क्वामस एपिथीलियम ने कराया. ठीक है, गैशियस एक्सचेंज. तो पहला फंक्शन क्लियर हो गया बच्चों, पहला फंक्शन इसका क्लियर हो गया, गैस का एक्सचेंज, गैशियस एक्सचेंज. ओके, इसको बाद में छोटा कर दूंगी, तुम परेशान मत होना. हां जी, नेक्स्ट लोकेशन इसकी रहेगी इन द बोमैन्स कैप्सूल. बोमैन्स कैप्सूल, अब बोमैन्स कैप्सूल बताओ किस ऑर्गन में? मैं जरा तुम्हारी नॉलेज देखूं. बोमैन्स कैप्सूल बताओ किस किस ऑर्गन में? बच्चे बेटा ये ऐसे में भी गड़बड़ कर देते हैं, मैं क्या बताऊं. एक बारी बच्चे ने मुझे बोला कि मैम ये बोमैन्स कैप्सूल पता है कहां होगा? कप शेप स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है जैसे नाक में. नाक में भी है लेकिन वो कैप्सूल नहीं है, वो बोमैन्स ग्लैंड है. अब मैं तुमसे पूछ रही हूं बोमैन्स कैप्सूल कौन है और किस ऑर्गन में, बताओ. यस, हा हा हा, वेरी गुड. नाक में बेटा आपके बोमैन्स ग्लैंड होते हैं. आपकी किडनी के अंदर नेफ्रॉन नामक एक चीज है. नेफ्रॉन में बेटा आपने इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था. ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया था, दिस इज बोमैन्स कैप्सूल. बोमैन्स कैप्सूल का क्या काम था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसकी मदद से ही होती है. तो अगला फंक्शन रहेगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन द बोमैन्स कैप्सूल. ठीक है, दूसरा बेटा यही सिंपल एपिथीलियम है विच लाइन्स द ब्लड वेसल. ब्लड वेसल की लाइनिंग याद करो बेटा. ब्लड वेसल कैसी थी?
तुम बोलोगे ब्लड वेसल ऐसी थी, इस ब्लड वेसल के अंदर यहां पर छोटे छोटे जो सेल्स हैं ये कौन से हैं, स्क्वामस, क्योंकि यहां से भी क्या होना है, एक्सचेंज ही होना है, यहां से भी बेटा क्या होना है, एक्सचेंज होना, और एक्सचेंज के लिए बेस्ट सेल स्क्वामस सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है। इस एपिथेलियम को जो कि ब्लड वेसल को लाइन करती है, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है बच्चों, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं, ओहो एंडोथीलियम, यस क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम, यस क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोथीलियम। सो द सेल्स विच लाइन द ब्लड वेसल दे आर कॉल्ड एज एंडोथीलियम, याद करो। और बेटा यही सेल्स हैं, जो कि सिलोम की लाइनिंग बनाते हैं, किसकी लाइनिंग बनाते हैं, सिलोम, सिलोम बॉडी की कैविटी है, सिलोम की भी लाइनिंग बनाते हैं, तब इनको बोला जाता है मीजोथीलियम, तब इनको क्या बोला जाता है, मीजोथीलियम। अब यार यही वो सेल्स हैं जिनके बाल करली है, करली बाल वाले बच्चे, हाँ जी करली बाल वाले कौन है, करली बाल मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि बेटा जो इनके एजेस है ना, मतलब द सेल लाइनिंग दैट इज एक्चुअली वेवी, मैं यहां बनाती हूँ ऐसे 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 वेवी, ठीक है, करली बाल है इनके, क्या है, करली बाल है, तो देख रहे हो, तो वेवी पैटर्न है, वेवी बॉर्डर्स है बेसिकली इनके, सिंस इनके वेवी बॉर्डर्स हैं इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, टेसिलेटेड एपिथीलियम। एंडोथीलियम और मीजोथीलियम के सेल्स का वेवी करली बॉर्डर है इसीलिए इनको बोलते हैं टेसिलेटेड, TESE, टेसिलेटेड एपिथीलियम। ओके बच्चों, ये बातें हो गई अपनी सिंपल स्क्वामस के बारे में, ये बात किसकी हो गई, सिंपल स्क्वामस, करली बाल वाले यही है एंडोथीलियम और मीजोथीलियम वाले, ऊपर से टाइलों पे दिखते हैं इसीलिए पेवमेंट एपिथीलियम है, सबसे चपटे फ्लैटेंड सेल्स है, एक्सचेंज के अंदर काम आते हैं। विद दिस वी आर डन विद सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। चलो नेक्स्ट वाले सेल पहचानो, ये कौन से सेल है, ये तुम देखोगे इसकी शेप थोड़ी सी क्यूब लाइक नहीं है, इसकी शेप कैसी है, क्यूब लाइक है, तो यार ये कौन से सेल्स रहेंगे, ये रहेंगे आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कैसे सेल्स रहेंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इनको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूं, रुको ताकि यस चलो ये छोटा होके इधर आ गए, हाँ जी क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में क्या खास बात है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम बेटा आपकी डक्ट्स को लाइन करते हैं, इसकी लोकेशन देखें तो यार डक्ट्स को लाइन करते हैं, ठीक है। दूसरा बेटा कई बारी क्यूबॉइडल एपिथेलियम में ऐसे 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 ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होता है, ये जो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर, ये जो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये कहां पाया जाता है, देखो इसने सरफेस एरिया इंक्रीज करना है, इसकी लोकेशन रहेगी PCT ऑफ नेफ्रॉन, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, काम क्या है इनका, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, रीअब्सॉर्प्शन होगी, और तुमको पता है मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन कहां पर होती है, PCT में ही तो होती है, मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन बेटा कहां होती है, PCT के अंदर ही तो होती है। अब बंदा सोचता है मैम ब्रश बॉर्डर तो बस मैंने विल्लाई में देखे, इंटेस्टाइन में देखे, नहीं बेटा ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल PCT, ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमनर इंटेस्टाइन, क्यूबॉइडल वाले PCT में रहेंगे, एक तो ये खास बात है। दूसरी बेटा इनकी खास बात है कि यही वो सेल्स हैं जो कि स्पर्मेटोगोनिया और ओगोनिया बनाते हैं, यानी कि इन्हीं से स्पर्म बनेगा, इन्हीं से ओवा बनेगा, इसीलिए इनको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, ये ओवा और स्पर्म बनाने के काम आते हैं, इसीलिए इनका दूसरा नाम क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम। गाइस क्लियर, क्यूबॉइडल के बारे में खास बातें क्लियर, डन। अब ये जो लंबे लंबे खंबे की तरह सेल्स खड़े हैं, किसकी तरह सेल्स खड़े बेटा, ये लंबे लंबे खंबा है, ये तो खंबा, अरे घर में लगा होता है खंबा, ये जो हमारे घर में खंबा लगा है, ये जो खंबा है तो पिलर है, पिलर लाइक सेल्स, कॉलम लाइक सेल्स, लंबे लंबे सेल्स, इनका नाम है, बेटा कॉलमनार एपिथेलियम, यस क्या नाम है इनका, कॉल्यूमनार, इसको भी ग्रीन से लिख देते हैं, कॉल्यूमनार एपिथेलियम, ठीक है बेटा मैं इधर हो जाती हूं, अभी दिखेगा, कॉल्यूमनार एपिथेलियम कैसे सेल्स हैं, कॉलम लाइक, तभी इनका नाम कॉल्यूमनार है, यानी कि पिलर लाइक सेल्स हैं, पिलर लाइक सेल्स हैं। इनके पास भी कई बारी क्या प्रस्तुत होगा, इनके पास भी बड़े बड़े सेल्स के पास भी ऐसे ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट है, अब ये जो ब्रश बॉर्डर है ये आपकी इंटेस्टाइन में होगा,
ये ब्रश बॉर्डर कहलाता है माइक्रोविलाए और ये पाया जाता है आपकी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि क्या इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। तो माइंड इट गाइस, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल पीसीटी, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार इन योर इंटेस्टाइन, ठीक है, इन योर इंटेस्टाइन। और यही वो सेल्स हैं बेटा जो ग्लैंड्स बनाते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स भी मोस्टली यही होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स भी मोस्टली यही होते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो कॉलमनार है, कॉलमनार है, एक तो इनके ऊपर इस तरीके का यू नो इमेजिनेशन, पहाड़ खाई होगा, ये तो सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। कई बार ये कॉलमनार पता है कैसे होते हैं, ध्यान दो, यहां बना रही हूं, कॉलमनार के ऊपर ऐसे 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 बाल, अगर कॉलमनार के ऊपर इस तरीके से बाल प्रेजेंट हो, ये ब्रश बॉर्डर नहीं है, ये जो बाल है ये सीलियां हैं, ये कहलाएगा आपका सीलिएटेड कॉलमनार। क्या कहलाएगा? सीलिएटेड कॉलमनार। अब ये कहां जरूरत है, लॉजिक लॉजिक बेटा लॉजिक लगाओ। सीलिएटेड अपने को वहां चाहिए जहां कुछ मूव करना है ना, अपने को कहां चाहिए सीलिएटेड कॉलमनार, जहां पे कुछ मूव करना है, क्योंकि सीलिया का काम ही मूव करना, कहां मूव करना है, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में याद करिए बेटा, एग रिलीज होता है, ये एग के खुद के पैर हाथ तो है नहीं, इसको कोई तो धक्का लगाएगा और वो धक्का लगाने वाले यही है, यानी कि दे वुड बी प्रेजेंट इन फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में एग को मूव करने में मदद करते हैं। दे वुड बी प्रेजेंट इन योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बेटा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्यों? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस को मूव करने के लिए, म्यूकस समझते हो नाक से तुम्हारे अंदर सांस गया, सांस में बहुत सारे एक्स्ट्रा पार्टिकल्स भी गए बेटा। म्यूकस जो होता है ना, वो देर आर सर्टेन थिंग्स इन योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो डस्ट को अंदर आपके एल्वेलाई तक पहुंचने पे रोकती हैं। यहां पर म्यूकस सा जमता रहता है। अब यार अंदर थोड़ा रखेंगे उस म्यूकस को, ट्रैक किया, उस म्यूकस को धक्का लगाएगा कि भैया नाक से बाहर आ जाए, ठीक है, क्योंकि उसको अंदर नहीं रख सकते। तो ये जो मूवमेंट है म्यूकस का, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ दीस सीलिया, ठीक है, एक्सपेलिंग ऑफ म्यूकस एंड पार्टिकल टुवर्ड्स फेरिंग्स, उल्टी साइड पे। तो जो नाक से बेटा वट एवर इट कम्स आउट, सबके आता है कि नहीं आता है, नेचुरल फिनोमिना है। कोई तुमको आज के बाद टोक दे कि नाक में उंगली मत डालो, तो तुम कह देना ये काम मैं नहीं करवा रहा हूं, ये काम मेरे सीलिएटेड एपिथीलियम करा रहे हैं, इन्होंने यहां पर सामान भेजा है, मुझे निकालना ही पड़ेगा, अब मुझे निकालना ही पड़ेगा, है कि नहीं? इस पे इमोजी भी है क्या कोई, इस पे इमोजी भी है क्या कोई, मुझे नहीं पता था इस पे इमोजी भी है। डू वी हैव इमोजी फॉर दिस? हंसने वाली बात नहीं है बेटा। कोई तुमको आज के बाद टोक दे तो कह देना ये एपिथीलियम ने भेजा है। कौन से एपिथीलियम ने भेजा? सीलिएटेड एपिथीलियम ने भेजा। मेरी गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे कुछ मत बोलो। चलो, हाँ जी, तो जहां जहां पर ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होगा उसका काम होगा एब्जॉर्प्शन, एंड सिंस ये ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट है तो यार इनका काम होगा सिक्रीशन। सो द मेजर फंक्शन ऑफ दीज एपिथीलियम, दे आर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। अब कुछ स्पेशल टाइप के एपिथीलियम मैं आपको बताने वाली हूं यहां पर, जिसका नाम है झूठा एपिथीलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। अब यार ये जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है झूठे हैं, ये पता क्या है सिंगल लेयर्ड ही, क्या है? सिंगल लेयर्ड ही है, लेकिन इसमें कुछ सेल्स छोटे हैं, कुछ सेल्स बेटा जी छोटे हैं और कुछ सेल्स बड़े हैं, देख रहे हो, कुछ सेल्स छोटे हैं, कुछ सेल्स बड़े हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, यानी कि हर सेल का बेस तो नीचे लगा हुआ है, बेस तो नीचे लगा हुआ है, लेकिन बेटा दिखते ऐसे हैं जैसे मल्टी लेयर्ड हो, दिखाई ऐसे देते हैं कि छोटे सेल की अलग लेयर है, बड़े सेल की अलग लेयर है, दिखने में ये स्ट्रेटिफाइड है बट एक्चुअली में ये सिंगल लेयर्ड है। दिखने में स्ट्रेटिफाइड क्यों है? क्योंकि बेटा सेल का जो साइज है ना वो डिफरेंट है, सेल का साइज क्या है? डिफरेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ये जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है ये बेटा जी सीलिएटेड भी हो सकता है और नॉन सीलिएटेड भी हो सकता है। सीलिएटेड की अगर बात करें, अगेन ट्राकिया में म्यूकस मूव करना है, ट्राकिया में पाया जाएगा, ब्रोंकाई में पाया जाएगा। नॉन सीलिएटेड तुमने पढ़ा हुआ है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिडिडाइमस, याद आया मेरे प्लस वाले बच्चों, वहां पर लिखवाया था स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम एपिडिडाइमस में होता है, वास्ट डिफरेंस में भी होता है,
वास्ट डिफरेंस में भी होता है, ठीक है। एक तो ये मॉडिफिकेशन होगी। दूसरी बेटा मैं यहां पर मॉडिफिकेशन बनाने वाली हूं आपके लिए, दैट इज गोइंग टू बी द ग्लैंडुलर वन, ठीक है। ग्लैंडुलर वन, जो ग्लैंडुलर सेल्स है वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। कैन यू सी? यस। ये ओहो ये क्या बन गया, रुको। कई बार बेटा ऑटो करेक्ट ना जिंदगी को क्या बना देते हैं, ऑटो करेक्ट आ जाए, हम लिखने कुछ चलते हैं, है ना, लिखने कुछ चलेंगे और वो लिख कुछ देता, वैसा ही हो गया, ऑटो करेक्ट हो गया। तो फिर यहां से आपका सामान निकलेगा, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ऐसा एपिथेलियम जिसके अंदर सिक्रीशन भरती है और वहां से सामान निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ये सिंगल सेल का भी बना हुआ हो सकता है और मल्टी सेल का भी हो सकता है। इट कुड बी यूनिसेल्युलर और इट कुड बी मल्टी सेल्युलर। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। यूनिसेल्युलर, आपकी बॉडी में सिर्फ एक ही ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, बताएंगे। यस यस, कम ऑन बेटा, किससे बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो? बात करनी है तो मुझसे करो, है ना। वट एवर यू वॉन्ट टू टॉक, टॉक टू मी डायरेक्टली, मेरे से डायरेक्ट बात करेंगे, ठीक है। आपकी बॉडी में सिर्फ एक सेल है विच फंक्शंस एज यूनिसेल्युलर ग्लैंड एंड दैट सेल इज नन अदर देन योर फेवरेट गॉबलेट सेल, ठीक है। गॉबलेट सेल, गॉबलेट सुन के मुझे हमेशा हैरी पॉटर की याद आती है। हैरी पॉटर में बेटा कुछ गॉबलेट कुछ जी से है, मतलब समथिंग विच रिजेंबल्स गॉबलेट, क्या है बेटा मुझे बताइए, मैंने मूवी नहीं देखी हुई। यस, मैंने मूवी नहीं देखी हुई, क्या चीज है वो गॉबलेट सेल? बेटा म्यूकस रिलीज करते हैं, ये सबको पता है। हाँ, गॉबलेट कुछ तो है यार उससे, भूल गया मुझे। हाँ, मल्टी सेलर की बेटा जी अगर बात करें, किसकी बात करें, मल्टी सेलर, मल्टी सेलर ग्लैंड की, तो मल्टी सेलर ग्लैंड मेरा कुछ इस तरीके से दिखता है, दिख रहा है? Yes. इस मल्टी सेलर ग्लैंड में ये आपके सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, देख रहे हो, ये ग्लैंड है और मल्टी सेलर है तो मल्टीपल सेल्स हैं आपके पास। इसके दो हिस्से होते हैं, ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये होता है सिक्रीटरी पार्ट, ये होता है सिक्रीटरी पार्ट, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। तो इस वाले हिस्से से सिक्रीशन आती है और यहां से सिक्रीशन सारी बाहर जाती है। अब ये जो मल्टीसेलर ग्लैंड है, बहुत सारे सारे ग्लैंड अपार्ट फ्रॉम गॉबलेट सेल मल्टीसेलर है, जैसे पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड, ये सब क्या है, मल्टीसेलर ग्लैंड है, ठीक है, मल्टीसेलर ग्लैंड है। स्पाइडरमैन गॉबलिंग, नहीं यार कुछ तो है हैरी पॉटर में, तुम बता नहीं पा रहे हो, तुमको भी नहीं पता, ठीक है। ग्लैंडुलर को एक तरीके से और मैं क्लासिफाई कर सकती हूं डिपेंडिंग अपॉन कि ये सिक्रीशन कहां डाल रहा है, डक्ट में डालता है या ब्लड में डालता है। सो देयर इज टू टाइप्स ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये मैंने यहां पर भी लिखा है, अगर आप इन नोट्स में ध्यान से देखेंगे, ये रहा, ये रहा, यहीं से बता दूं। हाँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स ऑन द बेसिस कि यार ये सिक्रीशन कहां पर डाल रहे हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होता है जो अपनी सिक्रीशन डक्ट में डालता है, किसमें डालता है, डक्ट में। तो मैं यहां पर तुमको बनाकर दिखा देती हूं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दे डू हैव डक्ट, ये ग्लैंड है अपना, ठीक है, इस ग्लैंड से निकली है नली, ये क्या है, डक्ट, और ये डक्ट कहां तक पहुंच रही है, टारगेट तक पहुंच रही है, टारगेट है और ये ग्लैंड है और ये क्या है, डक्ट है, ठीक है। ये हो गए अपने एक्सोक्राइन। कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं, कुछ ग्लैंड्स बेटा जी ऐसे हैं जिनके आसपास डक्ट नहीं है, ये अपनी सिक्रीशंस किस में डालते हैं, ये अपनी सिक्रीशंस डालते हैं ब्लड वेसल में। तो जो भी इनकी सिक्रीशन है ये ब्लड वेसल में जाएगी, ब्लड में मिक्स हो जाएगी और ब्लड इनको लेकर जाएगा टारगेट तक। ये मेजर डिफरेंस है। अब बड़ा दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ यार, ये जो अपने ने सुरंग बनाई है, क्या ये सुरंग बहुत बड़ी हो सकती है? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि ग्लैंड यहां है, टारगेट पैरों में है? इज इट पॉसिबल कि इतनी लंबी ट्यूब बना सकती है हमारी बॉडी? तुम बताओ, यस और नो में बताओ। तुम बताओ, यस कम ऑन बेटा, सेशन लाइक नहीं हो रहा, मैं देख रही हूं, जितने बच्चे प्रेजेंट है उससे कम लाइक कैसे हो सकती है? तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है बेटा, फटाफट से सेशन को लाइक करो। इस सीरीज में पूरी 11, 12 होने वाली है, सारे नोट्स, अमेजिंग नोट्स, टीपीपी, एवरीथिंग ऑन टेलीग्राम, कम ऑन,
मैं देख रही हूँ जितने बच्चे लाइव है उतने लाइक्स तो बनते हैं, कम ऑन। हाँ जी, ऐसा नहीं हो सकता कि ग्लैंड यहाँ है टारगेट नीचे, यानी कि यहां पर जो टारगेट है वो ऑलवेज नियर द ग्लैंड होगा। टारगेट विल ऑलवेज बी नियर द ग्लैंड, ग्लैंड के नजदीक टारगेट होगा, दूर तो रख ही नहीं सकते। लेकिन यहां पर टारगेट कुड बी फार अवे, कुड बी फार अवे, दूर भी हो सकता है, ठीक है, दूर भी हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, ये बात हो गई। दूसरा बेटा, ये जो अपने एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये क्या बनाते हैं? बेटा तुम बोलोगे हार्मोन के अलावा ये सब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये एंजाइम बनाते हैं, ये बेटा तुम्हारे आंसू बनाएंगे, ठीक है, ये तुम्हारा स्वेट बनाएंगे, ऑयल बनाएंगे, सब बनाएंगे। यानी कि हार्मोन रिलीज करने वाले ग्लैंड होते हैं एंडोक्राइन। अपार्ट फ्रॉम हार्मोन कुछ भी रिलीज हो रहा है, दैट इज फंक्शन ऑफ एक्सोक्राइन, दैट इज बच्चों फंक्शन ऑफ एक्सोक्राइन। हार्मोन रिलीज वाले एंडोक्राइन, अपार्ट फ्रॉम हार्मोन कुछ भी रिलीज हो रहा है एक्सोक्राइन। यहां देख लो जरा, एक्सोक्राइन की बात करें, डक्ट होगी, ठीक है, म्यूकस, सलाइवा, ऑयल, मिल्क, एंजाइम, सब रिलीज करेंगे ये। एग्जाम्पल, सलाइवरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, एवरी ग्लैंड विच इज नॉट रिलीजिंग हॉर्मोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन पे आ जाओ, एंडोक्राइन पे आ जाओ, डक्टलेस है, क्या रिलीज करेंगे? क्या रिलीज करेंगे? हॉर्मोन। और हॉर्मोन रिलीज करने वाले कौन है? टेस्टिस है, पैनक्रियास, पिट्यूटरी, ओवरीज। अब इसमें मैं थोड़ा सा कैच है, इसमें बेटा कैच है, कुछ ग्लैंड ऐसे हैं, कुछ ग्लैंड ऐसे हैं जिनको हम लोग बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। कैच है बेटा, ध्यान देना, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, या फिर इनको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड वो है जिसमें एंडो वाला पोर्शन भी है और एक्सो वाला पोर्शन भी है। आपकी बॉडी में सिर्फ दो ग्लैंड ऐसे हैं विच आर मिक्स्ड ग्लैंड। आपकी बॉडी में बच्चों सिर्फ दो ग्लैंड ऐसे हैं विच आर मिक्स्ड ग्लैंड। कोई बता सकता है? ऊपर ही लिखे हुए, कोई बता सकता है? यस, वो दो ग्लैंड हैं, पैनक्रियाज और साथ में आपके गोनाड्स। पेनक्रियाज और गोनाड्स ऐसे ग्लैंड हैं जो कि जिनके पास एंडोक्राइन सिक्रीशन भी है, जैसे पेनक्रियाज के पास है ना इंसुलिन, ग्लूकागन, सोमाटोस्टैटिन, हार्मोन रिलीज के। पेनक्रियाज के पास एक्सोक्राइन सिक्रीशन भी है, इसने काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज़, ट्रिप्सिनोजन, ये सब रिलीज किया, तो दोनों है। गोनाड्स की बात करो, ओवरीज की बात करो, ओवरीज हार्मोन बनाती है, एंडोक्राइन पोर्शन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ओवरीज ओवा भी तो बनाती है, एक्सोक्राइन सिक्रीशन। सेम टेस्टिस, टेस्टिस बेटा स्पर्म बना रही है एक्सोक्राइन, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन बना रही है एंडोक्राइन। तो इन ग्लैंड्स को बोलते हैं हेटेरोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड्स। दो ग्लैंड याद रखने, तुमको पैनक्रियाज तो रहता है बेटा, तुमको पैनक्रियाज रहता है, लेकिन तुम बाकी भूल जाते हो, लेकिन तुम बाकी भूल जाते हो, ठीक है। चलो, यहां पर सिंपल एपिथीलियम समाप्त, आगे चलते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम पे। किस पे चलते हैं? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम पे। स्ट्रैटिफाइड बेटा कंपाउंड का ही दूसरा नाम है, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड यानी कि मल्टी लेयर होगा, ठीक है, ये बेस वाली लेयर है। बेसल लेयर इज कॉल्ड एज स्ट्राटम जर्मिनेटिवम, बेसल लेयर इज कॉल्ड एज स्ट्राटम जर्मिनेटिवम। बेटा मेरी ना लाइट चली गई है और अभी मैं वेंसडे बन सकती हूँ अगर नहीं आई तो, ठीक है। क्या बन सकती हूँ? वेंसडे। वेंसडे देखा है? बताओ किस किसने वेंसडे देखा है? वेंसडे इज अ भूतिया सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स। Yes, Wednesday is a भूतिया series on Netflix. Have you seen Wednesday? हाँ बताना। तो जब लाइट जाती है तो मैं थोड़ा सा Wednesday टाइप हो जाती हूँ। हो सकता है बीच में बेटा कनेक्शन कट भी हो जाए, तो मैं वापस आ जाऊंगी, एक मिनट में आ भी जाती है लाइट, मेरा UPS is not working fine, तो कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो मैं Wednesday बन सकती हूँ, लेकिन अभी बनी नहीं हूँ, अभी बनी नहीं हूँ, ठीक है। उम्मीद करो कि आ जाए, ठीक है। तो स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम की बात करें, स्ट्रैटिफाइड में अगर ऊपर वाली लेयर स्क्वामस है तो इसका नाम हो जाता है स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम, ठीक है। ऊपर की लेयर जैसी होती है ना वैसा ही इसका नाम होता है। ऊपर की लेयर क्यूबॉइडल है तो क्यूबॉइडल नाम हो जाएगा, ऊपर की लेयर स्क्वामस है तो स्क्वामस नाम हो जाएगा। ये जो बेसल लेयर है इसका नाम है स्ट्राटम जर्मिनेटिवम, स्ट्राटम जर्मिनेटिवम, ठीक है। काम क्या होगा? मल्टीलेयर है, काम क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, काम होगा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए अपने यूज करेंगे। अब यार ये जो ऊपर की लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर, इसमें केराटिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस ऊपर की लेयर को हम लोग बोलते हैं स्ट्राटम कॉर्नियम। सुनते जाओ बस, मेरे वेंसडे बनने का वेट मत करो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? स्ट्राटम कॉर्नियम। इट कुड बी केराटिनाइज्ड अगर केराटिन प्रेजेंट है, और इट कुड बी नॉन केराटिनाइज्ड
इट कुड बी नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है जी। केराटिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब ये केराटिन क्या है? केराटिन बेटा आपने सुना है, लड़कियां ट्रीटमेंट कराने जाती हैं ब्यूटी पार्लर में, हैव यू हर्ड दिस? लड़कों ने तो सुना ही होगा, लड़कियों को तो पता है लेकिन लड़कों ने सुना होगा। यस, सुने? हाँ बताओ बेटा, मैं वापस आ जाऊंगी अगर ये कनेक्शन कट हुआ तो, भागना नहीं कहीं। यस, सुना कि नहीं सुना? हाँ जी, यस बताना। केराटिन ट्रीटमेंट सुना होगा यार, केराटिन ट्रीटमेंट बालों पे कराया जाता है कि बाल मेरे सिल्की हो जाए। मैं आज केराटिन ट्रीटमेंट कराने जा रही हूँ। ट्रेस्मे की ऐड देखिए, ट्रेस्मे की ऐड देखी होगी तो आपने सुना होगा यार, ट्रेस्मे में केराटिनाइज शैम्पू है। शैम्पू के केराटिनाइज होना या फिर केराटिन ट्रीटमेंट कराना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यार शाइनिंग के लिए, स्मूथनेस के लिए केराटिन नाम का एक प्रोटीन है जो कि इन डेड बालों को बड़ा शाइनी बनाता है। ये बेटा ऊपर की लेयर में होता है। अगर ये प्रोटीन प्रेजेंट है तो ऊपर की लेयर डेड है, अगर ये प्रोटीन एब्सेंट है तो ऊपर की लेयर लिविंग है। यानी कि ये चीज क्या बनाती है इसको? डेड बनाती है। क्या बनाती है? डेड बनाती है, इम्परवियस टू वाटर बनाती है और शाइनी भी बनाती है। इम्परवियस टू वाटर बनाती है, लेकिन नॉन केराटिनाइज्ड में केराटिन नहीं है। केराटिन नहीं है तो भैया ये चीज क्या है? ये लाइनिंग क्या है? लिविंग है। सेकंड चीज बेटा, परमिएबल टू वाटर है, परमिएबल टू वाटर है। अब कहां कहां पर केराटिन होगा, कहां नहीं होगा, ध्यान देना है बेटा। केराटिन वहां होगा जो हिस्सा ड्राई है और एक्सपोज्ड है। एक्सपोज्ड क्यों बोला? क्योंकि यार मल्टीलेयर एक्सपोज्ड वाले पार्ट में होगी। ड्राई कौन सा है? स्किन। स्किन आपकी ड्राई है बेटा, स्किन ड्राई है तो यार यहां पर क्या होगा? केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होगा। अब कोई बॉडी का ऐसा हिस्सा बताओ जो कि गीला है लेकिन एक्सपोज्ड है, यानी कि उसको प्रोटेक्शन चाहिए, बताओ। ग्रुप में बोलना, अक्षर को अकेले नहीं। पता नहीं हो क्यों रहा। ओके यस, फाइनली कैन यू सी मी बेटा? आई एम बैक फ्रॉम वेंसडे। सो आज डे क्या है अपना? आज डे क्या है? अच्छा आज वेंसडे ही है, फॉर अ चेंज टुडे इज वेंसडे ओनली, फॉर अ चेंज गाइस टुडे इज वेंसडे और आज के दिन ही मैं वेंसडे बन गई। देखो शगुन का एक वेंसडे तो हमारा आना ही था, ठीक है, शगुन का एक वेंसडे तो बेटा हमारा आना ही था। चलो एनीवे हम वापस आ चुके हैं। टेलीग्राम पे बता दूं, ये बच्चे ना जैसे टीचर भागा तो इनको तो मौका मिल जाता है ना टीचर भागा तो इनको मौका मिल जाता है, राइट। चलो एनीवे आ जाओ भाग के आ जाओ। थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। मैं लड़कियों के पार्लर के बारे में बात कर रही थी। आई वाज टॉकिंग अबाउट कि किसने केराटिन ट्रीटमेंट लिया हुआ है, क्या लड़के जानते हैं इस केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में या नहीं जानते हैं। सो मैं तो ये बात कर रही थी, अगर लड़के केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में नहीं जानते तो मैं उन्हें बताती हाउ इफेक्टिव दैट ट्रीटमेंट इज, ठीक है। आ जाओ फटाफट से आ जाओ। यस ये बच्चे वही थे, ये जो भागे हैं ना, ये बच्चे वही थे, जाने का वेट कर रहे थे कब वेंसडे आएगा और हमें मुक्ति मिलेगी। बेटा मुक्ति मिल गई ना तुमको मेरे से, बायो में नंबर नहीं आएंगे। 340 प्लस का यही एक मूल मंत्र है, रेगुलर पूरी की पूरी क्लास लगाना। अगर तुमने पूरी क्लास नहीं लगाई ना तो बायो में मुक्ति नहीं मिलेगी, ठीक है। यस 340 नहीं आएंगे। ओके बेटा, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट केराटिन एंड नॉन केराटिन।
कुछ स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम ऐसे हैं बॉडी में जहां पर अपर लेयर में केराटिन प्रेजेंट है, कुछ में एब्सेंट है. जिसमें प्रेजेंट है वो केराटिनाइज्ड है, जिसमें नहीं है वो क्या है, नॉन केराटिनाइज्ड है. अब यार ये जो केराटिनाइज्ड एपिथीलियम है ये वहां प्रेजेंट होगा जो एरिया ड्राई है और एक्सपोज्ड है. जैसे कि मैंने बताया स्किन, बालों को भी स्मूथ करने के लिए केराटिन ट्रीटमेंट किया जाता है. आपके शैम्पूज में, कंडीशनर में आजकल केराटिनाइज्ड शैम्पू मिल रहे हैं जस्ट टू मेक इट स्मूथ, क्योंकि ये आपको इंपरवियस टू वाटर बनाती है और बेटा स्मूथनेस प्रोवाइड करती है. दूसरा, नॉन केराटिनाइज्ड बॉडी में पूछ रही थी ऐसी कोई गीली जगह बताइए, ऐसी कोई गीली जगह बताइए जो कि एक्सपोज्ड है, जो कि एक्सपोज्ड है. कॉर्निया, कॉर्निया बेटा एक्सपोज्ड है और गीला है, ठीक है, तो नॉन केराटिनाइज्ड और स्ट्रेटिफाइड में आएगा. वजाइना, इन फीमेल्स वजाइना क्या है, एक्सपोज्ड है और गीला है. दूसरी चीज बेटा क्या रहेगी, अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस, अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस ये भी गीला है और ये भी क्या है, एक्सपोज्ड है. बकल कैविटी, बकल कैविटी ये भी क्या है, गीला है और क्या है, एक्सपोज्ड है. ठीक है, तो ये बात हो गई अपने स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम की. ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द टाइप्स ऑफ एपिथीलियम. मेजर मेजर अपने ये जो टाइप्स थे ये हम कर चुके हैं. इस पेज में ये भी डिस्कस कर लिया, ये भी कर लिया और अपने ने ये भी कर लिया. एक रह गया बेटा ट्रांजिशनल एपिथीलियम. जरा सुनो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम. देखिए ट्रांजिशनल एपिथीलियम भी स्ट्रेटिफाइड ही है, मल्टीलेयर ही है, लेकिन बेटा ये जो ट्रांजिशनल एपिथीलियम है, ये जो ट्रांजिशनल एपिथीलियम है, यस, इसमें जो अपर लेयर है ये स्ट्रेचेबल है. मतलब इसकी शेप फिक्स नहीं है, स्ट्रेच होती है तो स्क्वामस हो जाती है, फिर दोबारा से रिलैक्स होगी तो फिर बेटा ये पॉलीगोनल से सेल बन जाते हैं. ये एपिथीलियम वहां पाया जाएगा जहां पर तुम्हें स्ट्रेचेबिलिटी चाहिए. कहां चाहिए, याद करो यूरिनरी ब्लैडर. जब यूरिनरी ब्लैडर में भर जाता है बहुत सारा यूरिन तो यार यहां पर स्ट्रेचिंग नहीं होती है, ऐसे रबर बैंड की तरह. रबर बैंड देखे बेटा, ये मैं तुमको दिखाती हूँ, रखती हूँ मैं अपने पास सारी एग्जांपल. ये देखो रबर बैंड, ये स्ट्रेचेबल एपिथीलियम है. यानी कि जब इसमें सामान भर गया तो स्ट्रेच हो गया, जब सामान खाली हो गया तब बेटा ये दोबारा से रिलैक्स हो गया. तो ये स्ट्रेचेबल एपिथीलियम इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल एपिथीलियम. खास बात इसकी ये है कि इस ट्रांजिशनल एपिथीलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है, बाकी सब में है बेटा. इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है. और ये कहां पाया जाएगा, तुम बोलोगे तुम्हारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में पाया जाएगा, जैसे यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरेटर, इसमें क्या पाया जाएगा, ट्रांजिशनल एपिथीलियम. सिंस ये यूरिनरी सिस्टम में पाया जाता है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलेंगे. ब्लड वेसल में पाया जा रहा था एंडोथीलियम था, सिलोम की लाइनिंग थी तो मीजोथीलियम था. इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम यूरोथीलियम. क्या बोलेंगे इसको हम, यूरोथीलियम. याद हो गया, याद हो गया बच्चों, इसको क्या बोलेंगे हम, यूरोथिलियम. चलो जी, विद दिस नाउ वी आर डन विद ऑल द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. अब एपिथेलियल टिश्यू की एक खास बात है, इन एपिथेलियल टिश्यू की खास बात है कि यहां पर जगह जगह पर हमें मिलते हैं इंटरसेलुलर जंक्शंस. क्या मिलते हैं, जंक्शंस. देखो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि इंटरसेलुलर जंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू और समथिंग एल्स. तो आप देखेंगे कि ये जंक्शंस तुम्हें स्मूथ मसल में भी मिल रहे हैं आगे, ये जंक्शन तुम्हें कार्डियक मसल में भी मिल रहे हैं, बट वैसे ही प्रॉपर्टी किसकी मानी जाती है, मेजरली एपिथेलियल टिश्यू की. तो अगर चारों में एक सिलेक्ट करना हो जंक्शंस के लिए तो अपन लोग एपिथेलियल टिश्यू ही सिलेक्ट करेंगे. अब अगर जंक्शंस के बारे में बात करें, मान लो ये दो सेल्स हैं, मान लो बेटा ये दो सेल्स हैं, ठीक है, मानना है बेटा आज तुमने क्या करना है, मानना है. एजम्पशन वो होता है ना फिजिक्स में, लेट अ टाइम इज इक्वल टू जीरो हो, तो वैसे ही बेटा यहां मान लो, ये मान लो दो सेल्स हैं, एक सेल ये है और एक सेल ये है. दो सेल में अलग अलग तरीके के जंक्शंस हो सकते हैं डिपेंडिंग कि अपने को क्या फंक्शन कराना है, ठीक है, क्या फंक्शन कराना है. तो सबसे पहला टाइप का जंक्शन एक वो टाइप का जंक्शन होगा जहां पर टाइटली दोनों की मेम्ब्रेन अटैच्ड है और उनके ऊपर प्रोटीन से प्लगिंग है. दिस टाइप ऑफ जंक्शन, ठीक है, दिस टाइप ऑफ जंक्शन इज कॉल्ड एज टाइट जंक्शन. ये जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया है इसका नाम है टाइट जंक्शन. ध्यान दो, इसको मैं यहां से रब कर रही हूं ताकि तुम्हें समझ रहे, यस, टाइट जंक्शन. टाइट जंक्शन एक वो जंक्शन है जो दोनों की मेम्ब्रेन को से जोड़ के पकड़ रहेगा. क्या काम है टाइट का, टाइट से पकड़ने का काम है कि यार कहीं बाहर ना चला जाए सामान, यानी कि इट इज देयर टू प्रिवेंट लीकेज. प्रिवेंट लीकेज किसके लिए है बेटा, लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए है. नेक्स्ट टाइप ऑफ जंक्शन इज द वन
जो कि एक बटन का काम करता है. आपने बटन देखा है? ये देखो, मैंने बटन ना बंद नहीं किया. लेट मी शो यू, ये बटन है. बटन का क्या काम होता है शर्ट में? बटन का काम होता है कि शर्ट का इधर वाला और इधर वाले हिस्से को जोड़ के रखना, यही काम है. तो यार ये एक ऐसा जंक्शन है जो बटन की तरह काम करता है और ये दो सेल को एंकर करके रखेगा, जोड़ कर रखेगा. इस टाइप के जंक्शन को जिसमें ऐसा सूरज जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, यहां से प्रोटीन्स निकल रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के जंक्शन को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डेस्मोसोम. ठीक है, डेस्मोसोम, डेस्मोसोम. ठीक है, इसका दूसरा नाम है मैक्युला अधेरेंस, मैक्युला अधेरेंस. ठीक है, डेस्मोसोम और मैक्युला अधेरेंस. काम क्या है? जोड़ के रखना, बटन की तरह है. ये किसकी तरह है? बटन की तरह. अंदर भी बेटा इनके प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं. सो देयर फंक्शन इज प्रोटेक्शन, ओ एंकरेज. ठीक है, डेस्मोसोम. नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट टाइप ऑफ जंक्शन मैं बनाने वाली हूं जिसमें कनेक्शंस प्रोटीन यूज होते हैं और यहां पर एक गैप सा बन जाता है. क्या बन जाता है? गैप सा बन जाता है. ठीक है, यहां पर एक गैप सा बन जाता है. दिस टाइप ऑफ जंक्शन जहां पर इस तरीके का गैप बन रहा है और इस गैप में से सामान इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं गैप जंक्शन. क्या बोलते हैं? गैप जंक्शन. क्या काम है? दिख रहा है, कम्युनिकेशन कराना. इसका काम है दो सेल के बीच में आदान प्रदान, यानी कि कम्युनिकेशन कराना. ठीक है, क्या काम है इसका? कम्युनिकेशन कराना. याद करो मेरे साथ, टाइट जंक्शन प्रिवेंट लीकेज, गैप जंक्शन इंटरसेलुलर मूवमेंट, डेस्मोसोम एंकरेज. ठीक है, एंकरेज. अब यार तुमको पता है ये सारे सेल किसके ऊपर प्रेजेंट है? तुमको पता है ये सारे सेल किसके ऊपर प्रेजेंट है? बेसमेंट मेम्ब्रेन. अब बेसमेंट मेम्ब्रेन को सेल से जोड़ने के लिए यहां पर आधा एंकर प्रेजेंट है, ये बोलेंगे हम हाफ डेस्मोसोम, दैट इज कॉल्ड एज हेमी डेस्मोसोम. दैट इज बेटा जी कॉल्ड एज हेमी डेस्मोसोम. समझ रहे हो? तो हेमी डेस्मोसोम का क्या काम है? सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ना, और प्रॉपर डेस्मोसोम का काम है दो सेल को जोड़ना. ये मेजर तरीके के जंक्शन और भी होते हैं बेटा, इंटर डिजिटेशन होती हैं, जैसे आपको प्लेसेंटा में मिलती हैं, मैक्युलोक्लेंस होता है, तो वो इतना जरूरी नहीं है. ये चार तरीके के आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इन पे बहुत सवाल आता है, इनका फंक्शन और बेटा क्या इनका लोकेशन है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस यू हैव टू लर्न. ओके, यस, हाँ जी, यस. अब यार ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इनमें वियर एंड टियर बहुत ज्यादा है. क्यों? क्योंकि इनको बड़ा स्ट्रेस है. आप बताओ मुझे, आप में से किस किस बच्चे को बड़ा स्ट्रेस है? हाँ जी, स्ट्रेसफुल बच्चे इसमें क्लिक करेंगे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि स्ट्रेसफुल की प्रॉपर्टी क्या होती है. हाउ मेनी ऑफ यू आर स्ट्रेसफुल? हाउ मेनी ऑफ यू आर स्ट्रेसफुल? कितने स्ट्रेसफुल है बताना? स्ट्रेसफुल बच्चे बताइए, सच बता दो कि मैम मुझे स्ट्रेस है या नहीं है, सच बताइए. यस, 98% बच्चे बता दो किसका स्ट्रेस है फिर. 98% बच्चे बोल रहे हैं कि हमें किसी ना किसी चीज का क्या है, स्ट्रेस है मैम. देखो यार, जब भी जहां भी स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस होता है जब डर होता है. जैसे ये जो अपना एपिथेलियल टिश्यू है ना, ये भी बड़ा स्ट्रेसफुल टिश्यू है, इसको भी बहुत स्ट्रेस है. सच बताऊं इसको बहुत स्ट्रेस है. क्यों? क्योंकि इसकी लगी पड़ी है. लगी क्यों पड़ी है? इसकी लगी इसीलिए पड़ी है क्योंकि भैया ये बाहर जो सेल्स हैं इनको बाहर का खतरा है, बाहर पॉल्यूशन है, आंधी है, तूफान आ रहा है, इसको इसका खतरा है. ये जो अंदर सेल्स हैं इनको खतरा कहीं ऑर्गन एक्सपैंड ना हो जाए. ये जो ऑर्गन के अंदर सेल्स हैं इनको खतरा है कि यार कहीं अंदर केमिकल HCl तो नहीं आ गया. तो इनको बड़ा स्ट्रेस रहता है, इनको डर रहता है कि बाहर से चीजें आके हमें तोड़ ना दें. सिंस बेटा ये बहुत स्ट्रेस के अंदर रहते हैं, इसीलिए इनकी पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत ज्यादा होती है. पावर ऑफ रीजनरेशन, रीजेनरेशन इज वेरी हाई. क्यों? क्योंकि इनका वियर एंड टियर होता रहता है, टूटते बनते रहते हैं, वियर एंड टियर बहुत हाई है, इसीलिए गुड पावर ऑफ रीजेनरेशन है. ठीक है, गुड पावर ऑफ रीजेनरेशन है. एंड दे आर ऑब्वियसली एवास्कुलर सेल्स. ठीक है, इनके पास ब्लड सप्लाई नहीं जाती है, ये एवास्कुलर टिश्यू है. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे. तो यार अगर तुमको भी स्ट्रेस है ना, तुमको भी स्ट्रेस है, तुम्हारा वियर एंड टियर होता रहेगा. वेयर एंड टियर मतलब टूटते बनते रहोगे, कभी दिल टूटेगा, फिर उसे मनाने बैठोगे, फिर मोटिवेशन होने बैठोगे. इसीलिए मोटिवेशन मत खोजो, स्ट्रेस में मत आओ.
ये पेपर वही निकालेगा जो अगले 50 दिन सबसे कॉन्फिडेंट रहेगा जीवन में। बेटा एक चीज याद रख लो, आसानी से किसी को भी कुछ नहीं मिला है। आसानी से तुम्हें लग रहा है कि अंबानी जी को पूरा एम्पायर मिल गया, बेटा उसे स्टैंड रखने में बहुत मेहनत लगी है कि जो उनके फादर ने खड़ा किया था। तो आसानी से किसी को कुछ नहीं मिला है, सैक्रिफाइस बलिदान लगेगा। स्ट्रेस होगे तो बलिदान नहीं दे पाओगे, सोचने में इतना मेंटल एग्जॉस्टन हो जाएगा। आपको पता है किसी दिन कोई ऐसा भी आता होगा आपकी लाइफ में कि यार आज कुछ नहीं पढ़ा फिर भी थक गए। होता है कभी ऐसा कि कोई ऐसा दिन है आज कुछ नहीं पढ़ा फिर भी थक गए? यस, होता है, मेरे साथ बहुत होता है। मेरा भी गला खराब था बेटा पिछले, आप जानते हैं, इतने समय मैंने ज्यादा कोई क्लास नहीं ली। बट सोचने, जब आप खाली बैठे होते हो ना तो आप बहुत सोचते हो, और मेंटल एग्जॉस्टन इज मोर देन इवन फिजिकल एग्जॉस्टन। तो जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना, आई वॉज ऑल्सो स्ट्रेसिंग आउट कि यार मैं अब क्या करूंगी, मैं कैसे तुम्हारा सिलेबस कराऊंगी, ये सब चीजें मेरे भी माइंड में आती है, मुझे भी आपकी टेंशन होती है। तो उस समय आई फेल्ट दिस कि यार जब मैंने कोई क्लास नहीं ली तब मैं ज्यादा थक जा रही हूं, रादर देन द डेज जिस दिन मैं क्लास लेती हूँ, जिस दिन मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, जिस दिन मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, वो दिन ज्यादा अच्छा है मेरे लिए रादर देन खाली बैठने के। खाली बैठने में आपका मेंटल दिमाग बहुत जल्दी थकता है। तो इसीलिए वही चीज है बेटा आपके स्ट्रेस के साथ, आप स्ट्रेस लोगे आप मेंटली थक रहे हो तो वो दिन तुम्हारा वेस्ट है, तुम अपने गोल्स नहीं कवर कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो अपना जो डेली गोल है उसको कवर करिए और बिना स्ट्रेस के करिए। एनर्जी यहां जानी चाहिए, एनर्जी सोचने पे नहीं जानी चाहिए, नहीं तो वियर एंड टियर होता रहेगा और वियर एंड टियर हम होने नहीं देंगे, है ना? यस, कवर कर लेंगे बिल्कुल। मैं यहां तुम्हारे सामने खड़ी हूं, मैं रेडी हूं कि यार मैं 3 घंटे खड़े होकर पढ़ाऊंगी, मेरे को 4 घंटे लगेंगे मैं तो भी पढ़ाऊंगी, बट आई विल मेक श्योर कि आपका सारा सिलेबस रिवाइज हो। अगर मैं इस चीज में यहां पर स्टैंड अप रह सकती हूं तो तुम क्यों नहीं रह सकते? भैया तुम तो 2 साल से पढ़ रहे हो, मेहनत लगेगी, सैक्रिफाइस लगेगा, क्योंकि बेटा अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसे जलना होगा, ठीक है, तपना होगा, जो चीज नहीं अच्छी लगती है वो करनी होगी। दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड नहीं छोड़ पा रहे, बहुत प्यार है, छोड़ना होगा, इस 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए छोड़ना होगा, क्योंकि अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसे जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। नदी बेटा पर्वत छोड़ के आगे जाती है, आपको पता है पर्वतों पे तो नहीं बह रही है, वहां गंगोत्री यमुनोत्री है, फिर बह के वो गंगा बनी आगे, यमुना बनी, ठीक है। तो अगर नदियों जैसा आपको आदर पाना है तो पर्वत छोड़ के, यानी कि अपनी लोकेशन छोड़ के कुछ करना पड़ेगा। यहां पर तात्पर्य है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बेटा क्योंकि हम उस माँ के बेटे हैं। तो क्यों सोचे कि राह सरल होगी? राह सरल नहीं होगी, सबको पता है नीट के लिए राह सरल है यार। 20 लाख बच्चा देता है, 1 लाख बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, 20 लाख में से 1 लाख। हम उस मां के बेटे हैं तो क्यों सोचे, सोचना भी क्यों है कि राह सरल होगी? कुछ ज्यादा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। वक्त हमें ज्यादा लग सकता है बच्चों, इट कुड बी कि यार आप हो सकता है ड्रॉपर हो, आपको वक्त ज्यादा लगा, लेकिन अगर आपने संघर्ष किया है तो संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा बेटा आज नहीं तो कल होगा। तो इस चीज में बिलीव रखो, जो भी तुम्हारे संकट हैं उन सब का हल होगा। अगर आज नहीं हुआ, पिछले साल नहीं हुआ, 2021 में नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, तो 3 में होगा। 3 में नहीं हुआ ना तो भी मैं बता रही हूं 4 में होगा, आज नहीं तो कल होगा। यस, तो इस पॉजिटिविटी के साथ आप पढ़ाई करें। स्ट्रेस किस चीज का यार, जिंदगी में एक चीज थोड़ा है, जिंदगी में ये थोड़ा डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, बहुत अच्छी बात है आप डॉक्टर बनिए, लेकिन बेटा कई बारी सिचुएशन हमें वो नहीं बनाना चाहती है। तो तब एक चीज बेटा याद रखा करो कि अगर मन का हुआ तो बहुत अच्छा, मन का हुआ यार, मन है मेरा कि मैं नीट क्रैक कर लूं, मन है मेरा कि मैं एम्स में चला जाऊं, मन है मेरा कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लूं, मन है मेरा कि मैं MA MC में एडमिशन लूं, ठीक है, मन है, अगर मन का हुआ तो बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। लेकिन अगर कभी आपके मन का ना भी हो ना बेटा, ना भी हो तो और अच्छा। क्यों? क्योंकि अगर कभी आपके मन का नहीं हो रहा
तो हमेशा इस चीज में बिलीव रखिए, वो ऊपर वाले के मन का हो रहा है, किसी डिवाइन फोर्स के मन का हो रहा है। वो भगवान हो सकते हैं, वो अल्लाह हो सकते हैं, कोई सुपर नेचुरल, इट कुड बी समथिंग। अगर मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा, क्योंकि अगर आपके मन का नहीं हो रहा तो वो ऊपर वाले के मन का हो रहा है। और आप इस चीज को आज नहीं रियलाइज करेंगे, आपको लगेगा अरे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये हो गया, वो हो गया, मुझे बीएससी करनी पड़ी, मुझे ये करना पड़ा। आफ्टर 10 ईयर्स डाउन द लाइन, आफ्टर 15 ईयर्स यू एक्चुअली रियलाइज कि यार मेरे लिए वो चीज अच्छी होगी। तो हमेशा माइंड में रखना, जो भी होगा अच्छा होगा। भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है, भगवान ने तुमको यूज करना सिखाया है, तुम्हें इतने अच्छे गाइडेंस देने वाले टीचर्स दिए हैं, मेंटोर्स दिए हैं, आप उसको यूज करिए। बेवकूफी मत करिए, अपनी गलतियां रिपीट मत करिए, ठीक है? चलते जाओ, जो होगा अच्छा होगा, संघर्ष जरूर सफल होगा, आज नहीं तो बेटा कल होगा, ठीक है? चलो, बहुत ज्ञान हो गया, अब अगले टिश्यू पे चलते हैं। चले अगले टिश्यू पे, यस, नेक्स्ट टिश्यू, सबसे अबंडेंट टिश्यू है, काफी बड़ा टिश्यू है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू है। मजा आ गया? चलो इसी बात पे सेशन को कर दो लाइक, है ना, इसी बात पे फटाफट से सेशन को लाइक कर दो। लाइक मैं देख रही हूँ कम हो रहे हैं, इतना बढ़िया बेटा, आपको मैं कोशिश करती हूँ कि मोटिवेटेड रखूँ, पॉजिटिव रखूँ, क्योंकि इस पूरी जर्नी में, इस पूरी जर्नी में मेहनत करना तो जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड होना उससे भी ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो कनेक्टिव टिश्यू का जो ओरिजिन है वो कैसा है, मीजोडर्मल है। कैसा है बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन मीजोडर्मल है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, सबसे ज्यादा बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू ही पाया जाता है। इस कनेक्टिव टिश्यू के क्लासिफिकेशन में से सवाल आ जाते हैं, जो मैं अभी टेबल बनाने वाली हूं, इस टेबल में से बेटा आपके पास सवाल आ जाते हैं। सबसे पहले दो तरीके के कनेक्टिव टिश्यू हैं। पहले का नाम है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू को मैं लिखूंगी सीटी। क्या लिखूंगी? सीटी, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। दूसरा मैं लिख रही हूं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज, जब भी मैं सीटी लिख रही हूं, सीटी का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू। ये जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक तो है बेटा आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज सीटी, और एक है डेंस सीटी, पतली दाल और गाढ़ी दाल। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक इसमें आ जाएगा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और एक इसमें आ जाएगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब यार पतली दाल और गाढ़ी दाल, अब कुछ के घरों में पतली दाल बनती है, कुछ के घरों में क्या होती है, गाढ़ी दाल बनती है। लूज कनेक्टिव टिश्यू वो है जिसमें दाल थोड़ी कम है, फाइबर्स जो है वो लेस है, और इसमें मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है, ज्यादा है, मैट्रिक्स ज्यादा और फाइबर्स कम होना। आप इमेजिन करो, दाल है, दाल में दाल कम है और पानी ज्यादा है, तो पतली पतली दाल बनेगी, दैट इज गोइंग टू बी लूज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू गाढ़ी दाल है। गाढ़ी दाल का मतलब है फाइबर्स, मतलब दाल जो है वो ज्यादा है और पानी यानी कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है यहां पर, कम है। तो यार ये हो गए अपने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। देन आ जाते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग पढ़ेंगे बोन और क्या पढ़ेंगे, कार्टिलेज। और फिर आ जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें एक तो फ्लूइड है ब्लड और एक है लिम्फ। ब्लड और लिम्फ के बारे में बातचीत हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में करते हैं, यहां पर बातचीत सिर्फ यहां तक करी जाएगी, ठीक है? लूज सिटी, डेंस सिटी और स्केलेटल सिटी। अब कोई भी कनेक्टिव टिश्यू हो, कोई भी, तीन चीजों से बना हुआ है, एक एक्सेप्शन है, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू हो वो तीन चीजों से बना हुआ है। वो जो तीन चीजें हैं वो है आपके सेल्स, कुछ बेटा इसमें सेल्स होंगे, और क्या होंगे, फाइबर्स होंगे, और क्या प्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स होगा, ठीक है? ये तीन चीजें आपको हर हर कनेक्टिव टिश्यू में मिल जाएंगी एक्सेप्ट वन। एक कनेक्टिव टिश्यू ऐसा है जिसमें फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, और वो कनेक्टिव टिश्यू और कोई नहीं, वो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज द वन विच डज नॉट हैव एनी फाइबर, इट इज अ फाइबरलेस, इट्स मैट्रिक्स हैज नो फाइबर, नो कोलेजन, नो इलास्टिन, नो रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है? सिर्फ ब्लड और लिम्फ एक ऐसे टिश्यू है जो कि फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू है। बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यू में तुमको सेल भी मिल जाएंगे, तुमको फाइबर्स भी मिल जाएंगे, और तुमको मैट्रिक्स भी मिल जाएगा। अब कौन कौन से तरीके के सेल्स होते हैं बेटा इसमें? सबसे पहले सेल्स होंगे जो कि फाइबर्स को बनाते हैं। सबसे पहले सेल्स वुड बी जो फाइबर्स को बनाते हैं, और वो फाइबर बनाने वाले सेल और कोई नहीं, फाइब्रोब्लास्ट है। तो मैं सेल की लिस्ट लिख देती हूं, मैं सेल की बेटा लिस्ट लिख देती हूं, द सेल्स प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले फाइबर बनाने वाले सेल्स क्या होंगे? फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या बनाएंगे? फाइबर्स बनाएंगे। दूसरी चीज बेटा, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो एंटीबॉडीज सिक्रीट करते हैं, इनको बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स,
प्लाज्मा सेल आपने सुना है, बी सेल में बी प्लाज्मा सेल्स होते हैं, सिक्रेट एंटीबॉडीज। इनकी खास बात क्या है, इनका जो न्यूक्लियस है, इनके न्यूक्लियस में कार्टव्हील अरेंजमेंट होता है, तो इनको बोलते हैं कार्टव्हील टाइप सेल, कार्टव्हील सेल, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कार्टव्हील फॉर्म में इनका क्रोमैटिन अरेंज्ड है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स आर मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस बेटा इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, इनको हिस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं यहां पर, या फिर क्लास्मेटोसाइट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स बेटा मास्ट सेल। मास्ट सेल वही है जो ब्लड में आपका बेसोफिल है, ब्लड के अंदर अगर वो सेल है तो बेसोफिल, बाहर टिश्यू में आ गया तो मास्ट सेल। मास्ट सेल तीन चीजें रिलीज करेंगे, हिस्टामीन। हिस्टामीन एक वैसोडाइलेटर है, जब मच्छर काटता है बहुत खुजली होती है तो हम ऐसे 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 करते हैं, रेड हो जाता है, वो रेडनेस किस वजह से आई, हिस्टामीन की वजह से आई। नेक्स्ट है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इज वैसो कंस्ट्रिक्टर, वैसो कंस्ट्रिक्टर। नेक्स्ट है हेपारिन। हेपरिन क्या है, जो आपके ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखता है, इट इज एन एंटी कोआगुलेंट, एंटी कोआगुलेंट, ठीक है जी। यस, तो ये कुछ सेल्स हैं जो हम देखेंगे हमारे कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। अगर फाइबर्स की बात करें तो फाइबर्स यार तीन तरीके के होते हैं, पहला कोलाजन फाइबर्स, दूसरा इलास्टिन फाइबर और तीसरा रेटिकुलर फाइबर्स। कोलाजन, इलास्टिन और रेटिकुलर फाइबर। कोलाजन बेटा व्हाइट कोलाजन फाइबर होते हैं, ऐसे बंडल में इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, सीधे सीधे होते हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं होती, बंडल में प्रेजेंट होंगे व्हाइट कोलाजन फाइबर्स। जहां भी प्रेजेंट होंगे वहां स्ट्रेंथ आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है, स्ट्रेंथ आएगी। देन बेटा इलास्टिक फाइबर्स, ये देखिए इस तरीके से ब्रांच्ड फाइबर होते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और बेटा जो फाइबर जो नेटवर्क बना रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है। यस, इसको अगर बॉइल करोगे, कोलाजन फाइबर को अगर बॉइल करोगे तो जिलेटिन निकलेगा, क्या निकलेगा, जिलेटिन। इसको आग लगा दो, बॉइल कर दो, इसको जब तुमने बॉइल किया तो क्या निकला, जिलेटिन निकला। लेकिन अगर इसको बॉइल करोगे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑन बॉइलिंग, ठीक है जी। तो ये बेसिक चीज है आपके कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब पहला टाइप का कनेक्टिव टिश्यू शुरू करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। रेडी, रेडी बच्चों, हां जी बता दो फटाफट से। हां जी, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, ठीक है। पहला, एरियोलर टिश्यू इज द वन विच इज द मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू। देखो चारों में से कनेक्टिव टिश्यू सबसे अबंडेंट है, कनेक्टिव टिश्यू में से देखोगे तो एरियोलर सबसे ज्यादा है। दिस इज द मोस्ट अबंडेंट, पहली खास बात, हर जगह मिलता है यार, ये आपकी बॉडी का फ्रेमवर्क बना देगा, ठीक है, फ्रेमवर्क बना देगा। ये एक तरीके का एपिथीलियम को सपोर्ट करता है, सपोर्ट एपिथीलियल टिश्यू। इसका फोटो भी बना हुआ है एनसीईआरटी में, इसका एनसीईआरटी में फोटो भी बना हुआ है, ठीक है, इसमें है फोटो, एक मिनट रुको। नहीं है इसमें, मैं बना देती हूँ। इस तरीके का टिश्यू है, हैव अ लुक, ये ऐसा टिश्यू है, इसके अंदर बेटा फाइबर सिक्रीट करने वाले सेल्स कौन से होंगे, तुम बोलोगे फाइबर सिक्रीट करने वाले सेल्स हैं फाइब्रोब्लास्ट, इन फाइब्रोब्लास्ट से बन रहे हैं कोलाजन फाइबर्स, ये देख रहे हो, ये आपके फाइबर्स बन रहे हैं। फिर बेटा यहां पर एक ऐसा सा सेल प्रेजेंट है जिसका नाम है मास्ट सेल, ठीक है, ये मास्ट सेल है, ये व्हाइट कलर का कौन सा बनाया था, फाइब्रोब्लास्ट बनाया है, फाइब्रोब्लास्ट बनाया है। फिर बेटा यहां पर एडिपोसाइट्स भी होंगे, ठीक है, कौन से सेल्स होंगे, एडिपोसाइट्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। और यहां पर अपन को क्या मिलेगा, मैक्रोफेज भी मिल जाएगा यहां पर, और क्या मिलेगा, मैक्रोफेज, जो कि फैगोसाइटोसिस करता है। और ये सब सेल किसके अंदर प्रेजेंट है, मैट्रिक्स के अंदर, दिस इज द मैट्रिक्स, ठीक है, खुला खुला, फाइबर्स कम है, मैट्रिक्स ज्यादा है, दिस इज द मैट्रिक्स। ऐसा दिखेगा बेटा एरियोलर, एरियोलर टिश्यू आपको इस तरीके से दिखाई देगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। कहां पर पाया जाता है, दिस इज प्रेजेंट अराउंड, लोकेशन देख लीजिए बेटा, अराउंड मसल, मसल के बाहर घेरा लगाता है, नर्व्स के बाहर घेरा लगाता है, ब्लड वेसल के बाहर घेरा लगाता है, ठीक है, यस, ब्लड वेसल्स के बाहर घेरा लगाता है।
ओके जी, चलिए तो ये बात हो गई एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। सेकेंड टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू इज नन अदर देन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज नाम से क्लियर है बेटा, फैटी सेल्स होंगे इसके अंदर। कौन से होंगे? फैट सेल्स। अगर मैं एक सेल को बनाऊं यहां पर, तो यार ये इसका न्यूक्लियस है। इस एक सेल में ये फैट स्टोर करने वाला फैट ग्लोब्यूल है, बड़ा सा फैट ग्लोब्यूल होता है। इस फ्लैट ग्लोब्यूल की वजह से इनका सारा जो साइटोप्लाज्म है वो कोने में आ जाता है, सारा जो साइटोप्लाज्म है वो कोने में आ जाता है। आपको मैं दिखाने वाली थी एक चीज, हाँ मिल गया मुझे एनसीईआरटी का एग्जांपल। शुड आई शो यू? बेटा अमेजिंग नोट्स आने वाले हैं, वो मैंने ना थोड़ी एडिटिंग के लिए दिए थे, थोड़े लेट हो गए थे। दिखा दूं फटाफट से? मुझे चैट सेक्शन में यस बोल दो कि मैम आप दिखा दो आप। मैं उसी का वेट कर रही थी यार, बट नाउ दे आर हियर। सो आर यू रेडी? रेडी फॉर दिस? हाँ गेट रेडी। हाँ यस, डिटेल नोट्स भी आपके आ गए, तो ये आपके डिटेल नोट्स हैं, अमेजिंग। देख रहे हो? तो अपन लोग कहाँ पहुंच गए थे? ग्लैंड्स हो गए, जंक्शंस हो गए, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। हाँ फोटो का है यार, ये रहा फोटो। आई वॉज लुकिंग फॉर दिस वन फोटो, दिस वन फोटो, ठीक है। यस, तो क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये लेबलिंग के लिए आता है बेटा, ये वाला लेबलिंग के लिए आता है। देखो मास सेल आ गया, ये नीचे मैक्रोफाज है, मैंने उल्टा लिख दिया, नीचे वाला मैक्रोफाज है, ये वाला मास सेल है, ठीक है। देन कोलेजन फाइबर्स है, और जो फाइबर बनाने वाला सेल है वो कौन सा है? फाइब्रोब्लास्ट है, फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है। ये तीन तरीके के सेल मैंने तुम्हें बताया, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाज एंड मास्ट सेल तुमको यहां पर बताए। अब मैं तुम्हें दिखा रही थी एरियोलर टिश्यू। हैव अ लुक गाइस, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू में तुम देख रहे हो कितना बड़ा फैट ग्लोब्यूल है, कितना बड़ा फैट ग्लोब्यूल है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो कोने पे आ गया है, और साइटोप्लाज्म इसकी कैसी हो गई है? पेरिफेरल हो गई है। सारे नोट्स बेटा मैंने ही लिखे, बस इसमें जो थोड़ा रंग वंग होता है ना वो मैं लगवा लेती हूँ, क्योंकि मेरी यू नो इतनी सेंस इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए रंगों वंगों में, ठीक है। बट आई मेक श्योर कि यार मैं इसको जितना ब्यूटीफुल बनाना चाहूं उतना बनाऊं, ठीक है। चलो तो ये बात हो गई आपके एडिपोज टिश्यू की। अब यार ये जो एडिपोज टिश्यू है ये दो तरीके का हो सकता है, ध्यान देना। कहां प्रेजेंट होगा? अराउंड वाइटल ऑर्गन्स। मेजर मैं इसकी लोकेशन बताती हूँ, अराउंड वाइटल ऑर्गन्स, जैसे कि आपके आइज के अराउंड, किडनी के अराउंड फैट होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा बेटा शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है, और बेटा इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, इंसुलेटिंग लेयर। आपको याद है बेटा गगन की कहानी? किस बच्चे को मेरे क्लासमेट गगन की कहानी याद है? यस युवराज स्टडीज इट इज इनफ। आप मेरे हैंड रिटन के साथ इन नोट्स को पढ़िए, इससे ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। इससे ज्यादा पेपर में नहीं आता है, ठीक है। सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, ओके। हाँ गगन की कहानी नहीं पता? अरे यार चलो मैं तुम्हें सुनाती हूँ गगन की कहानी। गगन की कहानी एक्चुअली एडिपोज टिश्यू से रिलेटेड है। जो मेरे बहुत पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा गगन की कहानी। तो गगन की कहानी ऐसी है, मेरा ना स्कूल में एक क्लासमेट होता था जो मेरे घर में पड़ोसी भी था। पड़ोसी इन द सेंस हमारा घर यहाँ है और उसका घर ऐसे कॉर्नर पे, टेढ़े कॉर्नर पे, सामने ही हो गया एक तरीके से, उसका घर भी हमारे सामने था। तो गगन थोड़ा सा फैटी किड था, मतलब ही वॉज वेरी मोटा था थोड़ा सा, ठीक है। तो स्कूल में आता था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार अगर आपका क्लासमेट आपका पड़ोसी भी है तो आप उसको शाम को भी देखोगे, छत पे भी देखोगे, घर के बाहर इधर उधर टफी मारते हुए देखोगे, दोस्तों के साथ इधर उधर जाते भी देखोगे। तो यार गगन में एक खास बात थी कि जब सर्दियां आती थी, मतलब आप इमेजिन करो पंजाब में जिस जगह से मैं हूँ वहाँ बहुत सर्दी पड़ती थी पहले। अब तो खैर सर्दी वैसे ही क्लाइमेट चेंज की वजह से कम हो गई है। जब धुंध का समय होता था, इतना फॉग होता था, एट दैट टाइम जो हमारी सर्दियों की छुट्टियां होती थी, जो दिसंबर में छुट्टी होती ना, लास्ट में 20th December to 10th of January, तो उन छुट्टियों में बेटा गगन यूज टू वियर जस्ट अ बंडी, दैट इज अ बनियान। मतलब एक वेस्ट पहनकर, बनियान पहनकर वो अपनी सारी सर्दियां निकाल दी, नीचे निककर ऊपर बनियान। मतलब यार मुझे देख के रानी, यार सब लोग मफलर डाले हैं, टोपी डाले हैं, वार्मर पहने हैं, सब इतनी ठंड में कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रहे हैं, एंड दैट गगन इज लाइक इन द बनियान एंड निकर। हाउ इज दिस पॉसिबल? तो आज भी मेरे सामने उसकी वो फिगर याद है,
कि यार इतनी ठंड में धुंध के दिनों में कोई धूप नहीं निकल रही है, लेकिन उस वो ही वॉज वेरी कंफर्टेबल इन बनियान एंड दैट निकर, राइट। तो उसके बाद मुझे लगा यार ऐसा क्या है इसकी बॉडी में कि इसको ठंड नहीं लगती। ठंड नहीं लगने का बेटा कारण ये है इसकी बॉडी में जिसकी वजह से इसको ठंड नहीं लगती, ठीक है। मोटा था थोड़ा सा तो एडिपोज टिश्यू ज्यादा है। अब जो जिनके अंदर फैट ज्यादा होता है बेटा, वो लोग उनकी बॉडी का जो हीट लॉस है वो नहीं होता, तो उनको इंटरनली ही थोड़ा हीटेड फील होता है। आपने भी फील किया होगा कि आपके आसपास या अगर आप ही थोड़े से फैटियर साइड पे हैं तो आपको बेटा इतनी ठंड नहीं लगेगी, इतनी ठंड जनरली नहीं लगेगी, राइट। तो गगन की ये कहानी है बेटा। गगन आज बहुत सक्सेसफुल है, ऐसी कोई बात नहीं है। ही इज इन, मुझे कुछ टाइम पहले पता चला था उसका कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो गया है, CGL करके कुछ होता है, एंड ही इज वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मजाक नहीं बनाएगा कुछ कोई उसका, ठीक है, मजाक नहीं बनाएगा। सरकार में काम करता है बेटा, किसी को भी डाउन कर देगा, हमारा सेशन ही ना डाउन कर देगा यार देख के कि मेरी पोल कैसे खोल दी मैम ने, राइट। तो यार एडिपोज टिश्यू दो तरीके के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ एडिपोज टिश्यू, ठीक है। टाइप्स की अगर बात करें तो पहला आएगा मोनोलॉक्युलर, पहला क्या आएगा मोनोलॉक्युलर, ठीक है, मजाक नहीं बनाना उसका, डर के रहो, बहुत ऊंची पहुंच है उसकी, मोनोलॉक्युलर। फिर आएगा बेटा मल्टीलॉक्युलर। मोनोलॉक्युलर का मतलब है कि यार इसके अंदर एक सिंगल फैट ग्लोब्यूल होगा, इसके अंदर एक ही फैट ग्लोब्यूल होगा, ठीक है, देख रहे हो एक फैट ग्लोब्यूल है सिंगल, तभी ये मोनोलॉक्यूल है, ठीक है। और मल्टीलॉक्युलर का मतलब है कि इसके अंदर एक नहीं मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, यस। चलिए गगन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, सही है बेटा। उसका अगर मैं फुल नेम बता दूं ना तो क्या ही बात हो जाएगी बेटा, आंटी मेरे पास आ जाएंगी, दैट आंटी उसकी मम्मी, ठीक है, मम्मी पूरा यूट्यूब देखती है मुझे लग रहा है, हाँ इसीलिए मैंने उसका सरनेम नहीं बताया, नहीं तो फेमस हो जाता वो, ठीक है। तो मोनोलॉक्युलर क्या है, मोनोलॉक्युलर बेटा इट इज अ टाइप ऑफ एडिपोज टिश्यू विच डज नॉट हैव एनी कलर, तो इसीलिए इसको बोला जाता है व्हाइट एडिपोज टिश्यू, दिस इज बेसिकली व्हाइट एडिपोज टिश्यू। और अगर मैं मल्टीलॉक्युलर की बात करूं, इसके अंदर एक आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट होता है, क्या होता है, आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। इसके अंदर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का कॉन्टेंट भी बहुत ज्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि खूब सारी ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि ये हीट जनरेट करता है, ये ज्यादा हीट जनरेट करता है, थर्मोजेनिक टिश्यू है ये, क्या है, थर्मोजेनिक टिश्यू है, स्टोर भी कर सकता है बेटा काफी सारी हीट। ये जनरली ब्राउन एडिपोज टिश्यू पता है किसमें पाया जाता है, हाइबरनेटिंग मैमल्स में, हाइबरनेटिंग एनिमल्स में, और बच्चों में पाया जाता है न्यूबॉर्न्स में। आपने बेटा न्यूबॉर्न को देखा है, आप न्यूबॉर्न को लेकर आइए शिमला, मसूरी, मनाली, वहां पर जब स्नोफॉल होगी न्यूबॉर्न कभी भी कांपता नहीं है, आप नोटिस करना, शायद आज तक आपने नोटिस नहीं किया कि जो बिल्कुल नवजात शिशु है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसको आप ठंड में लेके जाओ, ही और शी विल नेवर एवर शिवर, व्हाई, बिकॉज छोटे होते जो हमारे पास फैटी टिश्यू होता है वो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है, तो उसमें ज्यादा हीट होती है तो उनको इतनी ठंड नहीं लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू किसमें कन्वर्ट होता है, व्हाइट एडिपोज टिश्यू में, और जो शिवरिंग वाली प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे आती है, ठीक है। ये भी इंसुलेटिंग है बट उतना नहीं है जितना वो था, दिस इज ऑल्सो इंसुलेटिंग। अब बंदा सोचता है कि मैं तो क्या हूं, मैं तो मोटा हूं, ठीक है, तो मेरे अंदर जो फैट है वो मुझे एनर्जी देगा, बेटा नहीं, एनर्जी गिविंग इज योर कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इस फैट को कैन नॉट बी यूज्ड एज फूड सब्स्टिट्यूट, कैन नॉट बी यूज्ड एज फूड सब्स्टिट्यूट, ठीक है, यस, इसको आप एज अ फूड सब्स्टिट्यूट नहीं यूज कर सकते, ओके। ये DPB बेटा आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम मेरे नाम से आप जाइए, सीप पाहुजा बायोलॉजी, ठीक है, आप जाइए वहां पर, आपको ये DPP, ये माइक्रो नोट्स, ये जो समरी है, ये वाले नोट्स, ये डिटेल नोट्स, ये अपने कहां गए डिटेल, ये अपने डिटेल नोट्स है, डिटेल नोट्स, और साथ में ये जो मेरी DPP है इसी चैप्टर की, वो आपको सब कुछ मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, ज्वाइन करके रख लो, हर दिन का सेशन, इतनी सारी अपडेट्स, ऑल द PDFs, एवरीथिंग यहीं पर मिलेगी, सी पाउचा बायोलॉजी, ठीक है। चलो तो ये बात हो गई आपके एडिपोज टिश्यू के टाइप की। अब आपने नाम सुना है बेटा ब्लबर ऑफ व्हेल, नाम सुना है, व्हेल आप जानते हैं कितने ठंडे पानी में रहती है, व्हेल के नीचे बेटा एक ना ऐसे इंसुलेटिंग लेयर होती है, किसकी बनी होती है, फैटी टिश्यू की बनी होती है, उसको बोलते हैं ब्लबर ऑफ व्हेल।
ताकि उसको इतने ठंडे पानी में वो सर्वाइव कर पाए, उसकी बॉडी की हीट लूज ना हो। तो यार ये भी आपका एडिपोज टिश्यू की प्रॉपर्टी है। कई बार ब्लबर ऑफ वेल पे सवाल आ जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा अपने डेंस कनेक्टिव टिश्यू पर। किस पे आ जाते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ना बेटा, ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू, यस, इसका मतलब है यहां पर गाड़ी दाल है। गाड़ी दाल का मतलब है जो फाइबर का अमाउंट है ज्यादा है, मैट्रिक्स का अमाउंट है कम है। दो तरीके से हो सकता है। यहां पर ध्यान दीजिए, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऐसा है जिसमें फाइबर्स बिल्कुल प्रॉपरली अरेंज्ड है, ये देखिए बीच बीच में इसके सेल्स हैं, ऐसे रेगुलर सा अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है? रेगुलर अरेंजमेंट है। और बेटा एक अरेंजमेंट ऐसा है जिसमें फाइबर भी ऊपर नीचे है, सेल भी ऊपर नीचे है। तो दो तरीके का हो गया, एक हो गया इररेगुलर डेंस और एक हो गया आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये जो इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है ये पाया जाता है आपकी स्किन में। किसमें पाया जाता है? स्किन में। और ये जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसको बोलते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। दो तरीकों में बेटा मैं इसको डिवाइड करूंगी। वन इज गोइंग टू बी द टेंडन, अदर वन इज गोइंग टू बी द लिगामेंट। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार टेंडन लिगामेंट लूज कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस है, तुम बोलोगे डेंस है। डेंस में भी कैसा है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ये जो टेंडन है, टेंडन किसको किससे जोड़ता है? टेंडन जो है वो बोन टू मसल जोड़ते हैं, बोन टू मसल को जोड़ते हैं। लिगामेंट किसको जोड़ता है? बोन टू बोन को, बोन टू बोन। यानी कि जो डोले शोले वाले आदमी है, जो अपनी मसले मसले बनाते रहते हैं, ये जो उनकी मसल है और यहां पर बोन है, इनका कनेक्शन किससे बनता है? तुम बोलोगे इनका कनेक्शन बनता है आपके टेंडन से। किससे बनेगा? टेंडन से। तो यार इसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हुई या बोन टू बोन में फ्लेक्सिबिलिटी हुई? तो तुम बोलोगे फ्लेक्सिबिलिटी तो मेरे बोन टू बोन में, इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है, टेंडन में ज्यादा स्ट्रेंथ है। क्योंकि ऐसा थोड़ा होता है कि यार मसल बनाई बाइसेप की, उठ के आ जाएगी ट्राइसेप की। ऐसा सुना? ऐसा किसी मिस्टर इंडिया ने आके दिखाया कि देखो मेरी बाइसेप की मसल, उठ के आ गई ट्राइसेप में? नहीं, मसल जो है वो बोन से टाइटली अटैच्ड होती है, बिकॉज उसमें स्ट्रेंथ वाले फाइबर्स हैं। और वो स्ट्रेंथ वाले फाइबर्स और कोई नहीं है, वो है कोलाजन फाइबर्स। ठीक है, तो यानी कि यहां पर आपके व्हाइट कोलाजन फाइबर्स का नंबर ज्यादा है, है ना? कभी मिस्टर इंडिया ने ऐसे तो नहीं दिखाया। यानी कि ये जो मसल टिश्यू है, ये स्ट्रेंथ वाला टिश्यू है, इसमें ताकत है। ठीक है, ताकत है। लिगामेंट वाले पे आ जाओ। लिगामेंट वाला जो है, इसमें व्हाइट भी होगा, कोलाजन भी होगा, लेकिन इलास्टिक फाइबर्स भी होंगे। व्हाइट कोलाजन फाइबर्स और येलो इलास्टिक फाइबर्स भी होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अब यार एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट, इससे आ जाती है मोच। इस मोच को हम लोग बोलते हैं स्प्रेन। स्प्रेन क्या है? एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट। ये क्यों हाथ जोड़ रहे भैया, ये क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? चैप्टर सिक्स की नोट भेज दो। कौन सा है चैप्टर सिक्स बेटा? सारे के सारे नोट्स लिंक ट्री पर है। मेरे पुराने मेरे नए जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम से डिलीट हो गए थे ड्यू टू सम बॉट, तो उसको मैंने अब लिंक ट्री पे डाल दी। यहां पर स्पैम मत कीजिए, ठीक है, यहां पर स्पैम मत कीजिए, ठीक है। सीसी है तो सीसी क्या होता है? अच्छा, क्रैश कोर्स, ओके। ओके, चलिए, तो अपने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हो गए। अब हमने चलना है आपके स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पे। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बेटा ध्यान देना, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में पहला आ जाता है कार्टिलेज। क्या आ जाता है? कार्टिलेज। देखिए कार्टिलेज जो है ना, इसके पास मैट्रिक्स होगा, फाइबर्स होगा और सेल्स होंगे। अगर मैं इसके मैट्रिक्स के बारे में बात करूं, ध्यान से सुनना बेटा इसको, तो इसका मैट्रिक्स सॉलिड होगा, बट प्लायबल। बट प्लायबल, प्लायबल का क्या मतलब होता है? इट कैन रेजिस्ट कंप्रेशन, मतलब स्पंज की तरह है। जैसे ये देखो, ये कार्टिलेज है, प्लायबल है, दबा सकते हो। ये आपका ईयर का पिना, कार्टिलेज है, प्लायबल है, दबा सकते हो। सॉलिड है लेकिन इट्स प्लायबल, यू कैन प्रेस इट, यू कैन मूव इट। तो ये हो गया कार्टिलेज। अब जैसे बोन है, बोन को दबा सकते हैं? बोन को नहीं दबा सकते यार, वो नॉन प्लायबल हो जाएगा। ठीक है, तो कार्टिलेज का मैट्रिक्स सॉलिड होता है लेकिन प्लायबल होता है। कार्टिलेज के टिश्यू के आउटर कवरिंग को हम लोग बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। ये जो बाहर की साइड पे सेल्स है, ये कौन से हैं? पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, अब इस पेरिकॉन्ड्रियम में क्या प्रेजेंट है? यहां पर प्रेजेंट है लैक्यूना। याद रखना है, बोन और कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं वो लैक्यूना, फ्लूइड फिल्ड स्पेस में होते हैं। कार्टिलेज के जो सेल्स हैं
वो एक लैक्यूना के अंदर दो से तीन आ सकते हैं, बोन में एक लैक्यूना के अंदर एक ही सेल होता है। तो मान लीजिए बेटा ये आपके लैक्यूनाज है, दीज आर लैक्यूना, एक लैक्यूना के अंदर कार्टिलेज के सेल्स हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज के सेल के लिए कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रो वर्ड इज फॉर कार्टिलेज, साइट इज फॉर सेल, और ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस जिसके अंदर ये प्रेजेंट है ये है आपका लैक्यूना। और बेटा ये जो सारा ग्राउंड सब्सटेंस है दिस होल इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स, ये कार्टिलेज का क्या है, मैट्रिक्स है। समझे, समझे, सेल ऑफ कार्टिलेज दे आर कॉन्ड्रोसाइट, द मम्मी सेल ऑफ कार्टिलेज। कॉन्ड्रोसाइट को बनाता कौन है, तुम बोलोगे कॉन्ड्रोब्लास्ट। तीन तरीके के सेल बना रही हूं, तीन तरीके के सेल्स बता रही हूं। पहला है बेटा, कलर चेंज करते हैं, पहला है कॉन्ड्रोब्लास्ट, मम्मी सेल है। मम्मी सेल समझते हो, मम्मी सेल वो होते हैं जो छोटे सेल्स को बनाते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट आ गया तो मम्मी सेल है, ये कॉन्ड्रोसाइट को बनाएगा। किसको बनाएगा, कॉन्ड्रोसाइट को बनाएगा, ठीक है। और फिर कार्टिलेज ईटिंग सेल्स जो कार्टिलेज को काटते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोक्लास्ट, कॉन्ड्रोक्लास्ट। क्लास्ट आ गया यानी कि ईटिंग सेल्स है, कार्टिलेज ईटिंग सेल्स, कार्टिलेज ईटिंग सेल्स, दीज आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोक्लास्ट। ओके जी, यस। चलिए अब यार अपने पास कार्टिलेज बहुत सारे तरीके का, हाईलाइन कार्टिलेज है, येलो इलास्टिक, व्हाइट कला, येलो इलास्टिक कार्टिलेज है और व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज है। तो यार मैं तीन तरीके का यहां पर कार्टिलेज लिख रही हूं, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज क्या यहां पर है, अभी मैं एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। सो मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, पहले टाइप का कार्टिलेज है बेटा हाईलाइन, नेक्स्ट है अपने पास व्हाइट फाइब्रस, और तीसरा है येलो इलास्टिक। एक कैल्सिफाइड कार्टिलेज भी होता है बट उसको छोड़ सकते हैं, येलो इलास्टिक, ठीक है। ये जो हाईलाइन कार्टिलेज है ट्रांसलूसेंट कार्टिलेज होता है। कैसा होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, ठीक है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा, थोड़ा सा स्ट्रांग भी होगा, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट कार्टिलेज है। यही कार्टिलेज है जो सी शेप्ड ट्रैकियल रिंग्स में प्रेजेंट है, ट्रैकियल रिंग्स, ट्रैकियल रिंग्स में है। यही कार्टिलेज है जो रिब्स के आगे लगा होता है, कॉस्टल कार्टिलेज है, कॉस्टल कार्टिलेज, ठीक है। जो बच्चे का एंडोस्केलेटन होता है बेटा, जब बच्चा फीटस फॉर्म में होता है ना, तो एक्चुअली हाईलाइन कार्टिलेज ही होता है, फिर उसकी ऑसिफिकेशन होती है, फिर जाके बोन बनता है। तो फीटल एंडोस्केलेटन में आपको हाईलाइन कार्टिलेज ही मिलता है। अभी व्हाइट फाइबर्स कार्टिलेज क्या हुआ, जिसमें कोलाजन फाइबर्स होंगे, ठीक है। व्हाइट वाले फाइबर्स कौन से हैं आपके, कोलाजन फाइबर्स होंगे। कोलाजन तुमको पता है क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो यार ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, किसमें पाया जाता है, प्यूबिक सिंफिसिस में, यस, प्यूबिक सिंफिसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बेटा, ठीक है। येलो इलास्टिक कार्टिलेज कौन सा है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इलास्टिक फाइबर्स ही फ्लेक्सिबिलिटी वाले हैं। कहां पर, ईयर का पिन्ना फ्लेक्सिबल है, मूव कर सकते हो, नोज टिप, नोज की टिप, ठीक है। टिप ऑफ द नोज में कौन सा कार्टिलेज है, टिप ऑफ द नोज में बेटा आपके कार्टिलेज कौन सा है, येलो इलास्टिक। कई बार ऐसा सवाल आता है कि यार आपको एग्जांपल से टिश्यू की तरफ लेके आएंगे कि कोई ऐसा कार्टिलेज जो कि टिप में प्रेजेंट है और कहीं नहीं है, तो तुम बोलोगे ये कार्टिलेज की बात हो रही है। कार्टिलेज एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये बात होगी बेटा आपके कार्टिलेज की। अब चलते हैं अपन लोग बोन पे, किस पे चलते हैं, बोन पे। बोन बड़े अच्छे से करेंगे, हड्डी ले आओ, हड्डी ले आओ बेटा, खाने वाली हड्डी की बात नहीं हो रही है, तुम कुछ और ही सोच लेते हो, ठीक है, तुम कुछ और ही सोच लेते हो। बोन का जो मैट्रिक्स है वो हार्ड है, क्या है, हार्ड मैट्रिक्स है, ठीक है। हार्ड क्यों है, क्योंकि 70% जो बोन है ये कैल्शियम आयन से बनी है, किससे बनी है, कैल्शियम से बनी है, और इसमें क्या प्रेजेंट है, फाइबर्स प्रेजेंट है, भर भर के फाइबर्स हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, जिसकी वजह से आपके बोन का जो मैट्रिक्स है वो बड़ा ही क्या है, बोन का मैट्रिक्स क्या है, बड़ा ही हार्ड है। मूव कर सकते हो, हड्डी तोड़ना आसान है बेटा, हड्डी बेटा लड़की के पापा ही तोड़ते हैं या लड़की का भाई तोड़ सकता है, तुम नहीं तोड़ पाओगे, ठीक है, चलो।
बना लेते हैं बेटा, बोन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट लो। ये मैंने काट लिया बोन का, इस कलर से नहीं बनाते, इससे बनाते हैं, ठीक है। यस, चलो राइट है कि रॉन्ग है, है ना? कौन तोड़ सकता है? लड़की के पापा है भाई, तोड़ता है आके, आपसे तो ना हो पाएगा। राइट तो हड्डी तोड़ने के लिए सबसे पहले हमें हड्डी का स्ट्रक्चर बताना चाहिए। तो तुम वहां पे कहना, सर 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 रुकिए, अभी मत तोड़िए, अभी मत तोड़िए, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँ कि मेरी हड्डी में क्या क्या चीजें हैं, कौन सी चीज आसानी से टूट सकती है, ठीक है। तो बोन में बेटा बहुत सारी आगे टाइप्स आ जाती है, स्पॉन्जी बोन है, कैंसलेट बोन है। तो सबसे पहले बेटा ये जो टिप वाला हिस्सा है बोन का, देख रहे हो, ये जो टिप वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं एपिफाइसिस। क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस। इसी को क्या बोलेंगे? यही है स्पॉन्जी बोन, ये है स्पॉन्जी बोन, यही क्या है? कैंसलेट बोन्स, ठीक है, जो टिप वाला है एपिफाइसिस, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा? एपिफाइसिस, एपिफाइसिस, ठीक है। ये जो बीच वाला हिस्सा है ये शाफ्ट है, ये क्या है? शाफ्ट है, कॉम्पैक्ट बोन है, इसको बोला जाता है डायाफाइसिस, डायाफाइसिस, ठीक है। ये क्या है? शाफ्ट है। बहुत ऐसी आ रही है ना, हाँ, जब सामने आएंगे ना बेटा उसके पापा या उसका भाई, तब ये नहीं याद रहेगा कि सर एपिफाइसिस तोड़ लो, डायाफाइसिस मुश्किल होगा आपके लिए, डंडा मारना है तो मेरे एपिफाइसिस पे मारिए, ठीक है। अब जब हमने बोन का सेक्शन काट के देखा तो मुझे उसके अंदर क्या दिखाई दिया? बोन मैरो दिखाई दिया। दो तरीके का बोन मैरो है, रेड बोन मैरो और अपना येलो बोन मैरो। तो यार ये अपना रेड बोन मैरो है, देख रहे हो ऊपर के हिस्से में, एजेस में, दिस इज रेड बोन मैरो, दिस इज ऑल्सो रेड बोन मैरो, ठीक है। काम क्या है इसका? हेमेटोपोइटिक टिश्यू, हेमोपोइटिक के नए सेल्स बनाएगा, दिस इज रेड बोन मैरो, ठीक है, हेमोपोइटिक टिश्यू है। अब यार अगर मैं सेंटर में देखूं, अगर मैं देखूं यहां पर सेंटर में, तो यार यहां पर जो बोन मैरो है दिस इज कॉल्ड एज द येलो बोन मैरो। इस बोन मैरो को अपन लोग क्या बोलते हैं? येलो बोन मैरो। तुम सोचोगे मैम इसका भी यही काम होता होगा, येलो बोन मैरो का भी ये काम होता होगा, ठीक है। बेटा येलो बोन मैरो का ये काम एक्चुअली में नहीं है, येलो बोन मैरो का काम है आपके फैट्स को स्टोर करना, ठीक है। लिपिड स्टोर करता है, किसको स्टोर करता है? स्टोर लिपिड, लिपिड यानी कि फैट, फैट को स्टोर करता है, यानी कि नए सेल बनाने का काम किसका है? रेड वाले का। और येलो का काम है आपके फैट को स्टोर करना। कल को अगर बेटा लड़की के पापा आए, उन्होंने तुम्हारी हड्डी तोड़ दी, ठीक है, और ब्लीडिंग शुरू हो गई, बहुत यू नो दर्द शुरू हो गई, ब्लीडिंग शुरू हो गई, खून बहने लगा, तो यार खून के सेल्स बनाने और जरूरी हो जाएंगे, ब्लड सेल्स बनने की जरूरत है। तो यार रेड बोन मैरो तो ब्लड सेल्स बना ही रहा है, तब बेटा येलो भी इमरजेंसी के वक्त किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में कन्वर्ट हो जाए। तो कल को बेटा वो आए, हड्डी वड्डी तोड़े, खून निकले सर से, यहां से, बाजू से, घुटनों से, तो जब खून निकलेगा तब बेटा येलो विल ऑल्सो कन्वर्ट इंटू रेड। तो बताना सर आपने पता क्या किया, मुझे घायल करके आपने मेरे येलो बोन मैरो को रेड बोन मैरो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, येलो बोन मैरो को रेड बोन मैरो में कन्वर्ट कर दिया। ये बात थी बेटा इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की। अब जरा ट्रांसवर सेक्शन देख लेते हैं, कौन सा सेक्शन देख लेते हैं? ट्रांसवर सेक्शन देख लेते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास यहां क्या प्रेजेंट है? द आउटर लाइनिंग, जिसका नाम है, जिसका नाम है पेरिओस्टियम। जैसे वहां पेरिकॉन्ड्रियम था, अब बेटा देखना वर्ड क्या है, वहां के लिए कॉन्ड्रा, यहां के लिए ऑस्टियम, वहां था पेरिकॉन्ड्रियम, यहां है पेरिओस्टियम, वहां थे कॉन्ड्रोब्लास्ट, यहां है ऑस्टियोब्लास्ट, वहां थे कॉन्ड्रोसाइट, यहां है ऑस्टियोसाइट, वहां थे कॉन्ड्रोक्लास्ट, यहां है ऑस्टियोक्लास्ट। डिफरेंस देखो, वहां जो प्रोटीन है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन है, यहां जो प्रोटीन है वो ऑसिन प्रोटीन है। तो एक बार मैं प्रोटीन का नाम भी लिख देती हूं यहां पर, यहां कॉन्ड्रिन प्रोटीन है, वहां ऑसिन प्रोटीन होगा। चलो तो सेक्शन बना लेते हैं हमारी बोन में। बोन के जब हमने ट्रांसफर सेक्शन देखा तो बाहर की जो कवरिंग दिखाई दी, दिस इज कॉल्ड एज पेरिओस्टियम। ओ यस, पेरिओस्टियम। और बेटा यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? एंडोस्टियम, अंदर वाली साइड जिसमें बोन मैरो है। समझना बेटा इसको। अब यार ये जो बोन का मैट्रिक्स है, इट इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। बोन के मैट्रिक्स में कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। ये देखिए एक यहां, मैट्रिक्स ऑफ बोन इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। देख रहे हो, इन कंसेंट्रिक सर्कल्स की प्लेट्स को हम लोग बोलते हैं लैमिले। क्या बोलते हैं बेटा इनको? लैमिले। तो यहां पर भी ऐसे बना लो,
कंसेंट्रिक सर्कल प्लेट्स की फॉर्म में अरेंज्ड है, जिनको अपन ने क्या बोला, लैमिले बोला. सो दीज आर कॉल्ड एज लैमिले. ठीक है, यहीं पर बीच में इन्हीं लैमिले के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, बोन के सेल्स. और बोन के सेल्स क्या है, ऑस्टियोसाइट्स. तो ये मैंने स्टार जैसे ऑस्टियोसाइट्स बना लिए हैं. These are the osteocytes. Matrix के बीच में present होंगे. ठीक है जी, एक osteocyte को अगर मैं देखूंगी ध्यान से, फिर एक osteocyte ऐसा star जैसा है, देख रहे हो, star जैसा osteocyte है. अब मैंने तुम्हें बताया था bone और cartilage के cell lacuna में होंगे. Cartilage के case में एक lacuna में दो तीन cell थे, यहाँ पर एक lacuna के अंदर एक ही cell होता है. ये जो white से बना रही हूँ ये lacuna है और अंदर osteocyte है. So this is lacuna. Lacuna के अंदर osteocyte. देखो लैमिला वर्ड अलग है, लैक्यूना वर्ड अलग है. लैमिला कंसेंट्रिक अरेंजमेंट है, लैक्यूना तो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जिसके अंदर सेल है. अंतर समझना है, अंतर समझना है. ठीक है, ये जो सेंटर में तुमको रेड कलर का केनॉल दिख रहा है, सेंटर में रेड कलर का केनॉल दिख रहा है, इसको अपन लोग बोलते हैं हेवर्शियन केनॉल. क्या बोलते हैं, हेवर्शियन केनॉल. ठीक है जी, बोल दिया हेवर्शियन केनॉल. अब ये जो पूरा सिस्टम है देख रहे हो, हेवर्शियन केनॉल सराउंडेड बाय लैमिले. इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को मैं हाईलाइट कर देती हूँ बच्चों, क्या बोलेंगे, इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं हेवर्शियन हेवर्शियन सिस्टम. हेवर्शियन सिस्टम, हेवर्शियन सिस्टम का दूसरा नाम है ऑस्टियन. क्या नाम है, ऑस्टियन. ठीक है, ये जो हेवर्शियन सिस्टम है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ओनली लॉन्ग बोन्स ऑफ mammals. ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है. क्या हेवर्शियन सिस्टम फ्रॉग की बोन में होगा, क्या हेवर्शियन सिस्टम छिपकली की बोन में होगा, क्या हेवर्शियन सिस्टम फिश की बोन में होगा. तुम बोलोगे नहीं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, ये जो अरेंजमेंट है, ये जो सिस्टम बना है पूरा का पूरा सिस्टम, केनॉल नहीं, हेवर्शियन केनॉल नहीं बेटा, हेवर्शियन सिस्टम की बात हो रही है. ये पूरा का पूरा सिस्टम इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लॉन्ग मेमिलियन बोन. लॉन्ग मेमिलियन क्या हो गया यार माइक में, ओहो बाल आ जाते हैं यार, बाल आ जाते हैं. अब बताओ, अब बताओ, सही है, सही है, यस, इज इट क्लियर, क्लियर. तो यार ऊपर की साइड पे भी अपने पास, अब बता दो फटाफट से, ऑस्टियोब्लास्ट है, ये ऑस्टियोब्लास्ट है, नीचे वाले ऑस्टियोसाइट है, ये ऑस्टियोब्लास्ट है, यहां पर भी है और यहां पर भी है. यस, ध्यान देना बेटा, कार्टिलेज में मेरे पास कॉन्ड्रोब्लास्ट जो थे, कहां है कार्टिलेज, हाँ कार्टिलेज में बेटा मेरे पास जो कॉन्ड्रोब्लास्ट थे वो सिर्फ यहां थे, एक साइड पे ही थे. तो यानी कि कार्टिलेज के नए सेल इस दिशा में बनेंगे, इस दिशा में, लेकिन बोन के पास ऑस्टियोब्लास्ट यहां भी है और यहां भी है. यानी कि बोन की जो ग्रोथ है, बोन की जो ग्रोथ है वो दो दिशा में हो रही है, इट इज बाई डायरेक्शनल. कार्टिलेज की ग्रोथ तो यूनी थी, एक ही दिशा में हो रही थी, क्योंकि कॉन्ड्रोब्लास्ट मम्मी सेल एक ही साइड थे. यहां जो मम्मी है वो दो साइड है, ये भी मम्मी सेल है, ये भी मम्मी सेल है, यहां से भी एडिशन होगा, यहां से भी एडिशन होगा, तो ग्रोथ क्या हो जाएगी, बाई डायरेक्शनल. ठीक है जी, चलो ये चीज आपको पता चल गई. अब यार ये भी एक हेवर्शियन केनॉल है, ये भी एक हेवर्शियन केनॉल है. जब हमने लंबे लंबे हेवर्शियन केनॉल को देखा तो एक्चुअल में बेटा ये जो हेवर्शियन केनॉल है ये बीच में कनेक्टेड है, इस व्यू में दिख नहीं रहे, बट एक्चुअली बेटा दीज आर कनेक्टेड लाइक दिस, दीज आर कनेक्टेड, एंड द कनेक्शन ऑफ हेवर्शियन केनॉल इज मेड बाय अ ट्रांसवर्स केनॉल जिसका नाम है फॉकमेंस केनॉल, फॉकमेंस केनॉल. ठीक है, दो हेवर्शियन केनॉल आपस में एक्चुअली में अंदर की साइड पे कनेक्टेड होते हैं, और ये जो कनेक्शन है दिस इज मेड बाय फॉकमेंस केनॉल. ठीक है, बारिश हो रही है तो गाना गा लो बेटा, टिप टिप बरसा पानी, यही गाना गाओगे और क्या गाओगे. अब दिख रहा है, अब देख लो, यस अब देख लीजिए, ठीक है. आज की क्लास में यार सबने एनरोल किया कि नहीं किया, क्या आज की क्लास में सबने एनरोल किया या नहीं किया बताना. हैव यू एनरोल्ड इन टुडेज क्लास और नॉट, यस देख लिया,
आज की 5 बजे क्लास में जो नहीं आया बेटा, मैं बता रही हूँ उसका बहुत लॉस है, बहुत ज्यादा लॉस है जो आज दोपहर शाम की 5 बजे क्लास में नहीं आया। यस, ब्रेक अब तो थोड़ा सा रह गया। क्या ब्रेक, ब्रेक ही चल रही है। मैं बीच में देखो गगन की कहानी सुनाई तुम्हें, बीच में मैंने तुम्हारी हड्डियां भी तुड़वा दी लड़की के पापा से, ठीक है, उनको सब कुछ करा दिया बेटा। यही ब्रेक है, यही ब्रेक है, ठीक है, यही ब्रेक है। चलो मस्कुलर टिश्यू आ जाओ, बहुत आसान टिश्यू है, एक टेबल बनाऊंगी मस्कुलर टिश्यू में, टेबल बनाऊंगी भी नहीं, यहां बना हुआ है। ये देख लीजिए बेटा, बोन और कार्टिलेज में फटाफट से डिफरेंस। बोन जो है टफ फ्लेक्सिबल मटेरियल, प्रोटीन जो है इसमें ऑसिन है, कार्टिलेज में जो प्रोटीन है दैट इज कॉन्ड्रिन है, ठीक है, इसमें कंसेंट्रिक लैमेले की फॉर्म में, यहाँ पर मैट्रिक्स होमोजेनियस मास है, यहाँ पर बेटा ऑस्टियोब्लास्ट सेल है जो कि नए ऑस्टियोसाइट बनाते हैं, यहाँ कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल है जो कि कॉन्ड्रोसाइट बनाते हैं, बता दिया। बोन बेटा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। कार्टिलेज बेटा क्या प्रोवाइड करता है, कार्टिलेज क्या प्रोवाइड करता है, अगेन फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट टू ऑर्गन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। यस, एक बार देख लो, एक बार देख लो। अब बेटा हमारा ये रह गया स्केलेटल स्मूथ मसल। यस, बता दूं स्केलेटल और स्मूथ मसल। हाँ जी, एक बेटा प्रीवियस ईयर, काफी पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने बोन को HCL में डाल दिया तो क्या होगा, सोचने वाली बात है। आपने बोन का ट्रीटमेंट किसके साथ कर दिया, HCL के साथ कर दिया, क्या कुछ होगा, डायल्यूट HCL है मेरा, डायल्यूट HCL के साथ कर दिया, क्या कुछ होगा। तो तुम बोलोगे अगर तुमने बोन को डाल दिया एसिड के अंदर, ये बोन के अंदर जो इनऑर्गेनिक पार्ट था, इनऑर्गेनिक यानी कि कैल्शियम वाला पार्ट हो जाएगा डिसॉल्व, मतलब अब ये बोन क्या हो गई, डीकैल्सिफाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डीकैल्सिफाइड। क्या डीकैल्सिफाइड बोन में कुछ क्षमता है, कुछ स्ट्रेंथ है, नहीं बेटा, बहुत ही वीक हो जाएगी, ठीक है, वीक हो जाएगी, डीकैल्सिफाइड हो जाएगी। अगर बेटा बोन को तुमने डाल दिया KOH में, बेस में डाल दो, कुछ हुआ, नथिंग हैपन्स, याद रखना है। एसिड में डाल दोगे तो डीकैल्सिफाइड हो जाएगी, बोन मैरो को कुछ नहीं होगा, बेस में डाल दोगे कुछ नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा तुमने बोन को लगा दी आग, लगाना नहीं है बेटा, ऐसे नहीं कि हड्डा लेके आनी है और उसको आग लगानी है, बोन को अगर आप हीट करेंगे तो उसका ऑर्गेनिक पार्ट की डेथ होगी, जो उसका ऑर्गेनिक यानी कि जो लिविंग पार्ट है दैट विल ड्राई अप, ड्राई हो जाएगा, ड्राइड अप, खत्म हो जाएगा, और इनऑर्गेनिक कैल्शियम को कुछ नहीं होगा, इनऑर्गेनिक पार्ट विल रिटेन, ठीक है, यानी कि इस बोन को हम लोग बोलते हैं ड्राइड बोन। तो ये तीन केस याद रखना, ये तीन केस बेटा याद रखना, HCL में डालोगे डीकैल्सिफाइड, आग लगा दोगे तो ड्राई हो जाएगी, और KOH में डालो तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चलो अब आ जाओ अपने मसल पे। यस बेटा आ जाए, याद करिए अभी कि अभी, ठीक है, हाँ स्वप्निल बेटा आप ब्रेक ले लो, स्वप्निल को बड़ी ब्रेक चाहिए, बेटा आप ब्रेक ले लीजिए, बैठ जाइए साइड पे, ऑफ कर दीजिए सेशन को, मैं पढ़ा देती हूँ, तुम्हारा जब ब्रेक ओवर हो जाए तो बैक रिवर्स करके कर लेना, ठीक है, रिवर्स करके कर लेना, बड़ी जल्दी है बेटा स्वप्निल को, इतनी जल्दी थक जाओगे तो कैसे पेपर दोगे, 3 घंटे का, 3 घंटे 20 मिनट लगातार आपने अपने माइंड को एक्टिव रखना है, अगर ऐसे थक गए तो क्या फ़ायदा, तो क्या फायदा है ना। चलो स्केलेटल मसल के बारे में बात करते हैं, मैं यहां पर सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगी। स्केलेटल मसल कौन सी मसल है, मस्कुलर टिश्यू बेटा 3 तरीके का टिश्यू है, याद रखना है। इसका ओरिजिन भी क्या है, इसका ओरिजिन भी क्या है, मीजोडर्मल है। तो लेट मी राइट ओवर हियर, सो स्टार्टिंग विद मस्कुलर टिश्यू, ये सारी समरी नोट्स एंड डिटेल नोट्स बेटा आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सीप पाउजा बायोलॉजी के नाम से, 1,60,000 तकरीबन बच्चे हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मीजोडर्मल है, थोड़ी सी एग्जांपल भी है, एक्सेप्शंस भी हैं। मस्कुलर टिश्यू जहां भी हो उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा सार्को या मायो। ज्यादा डिटेल मसल सेल की, कि मसल सेल एक फाइबर सेल होता है, उसके अंदर मायोफिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, एक्टिन होता है, मायोसिन होता है, ये सब हम मस्कुलर वाले चैप्टर में करते हैं, लोकोमोशन में करते हैं, यहाँ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ बात करेंगे टाइप्स ऑफ मसल की, इसका डिटेल आएगा लोकोमोशन में, ठीक है। 3 तरीके का मस्कुलर टिश्यू है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक, ठीक है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल मसल बेटा वो है जो कि सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं इस तरीके से, सो लेट मी ड्रॉ स्केलेटल मसल, ये देखो सिलेंड्रिकल सेल्स हैं बेटा। जब तुम इसके सवाल निकालोगे ना तो तुमको कुछ क्वेश्चन सार्कोमियर के डायग्राम से भी आएंगे, सार्कोमियर के डायग्राम से भी आएंगे। तो यार ये अपना स्केलेटल टिश्यू है, ओके,
ऐसे लंबे लंबे सेल्स हैं, इन लंबे लंबे सेल्स के अंदर तुम्हें कहीं कहीं डार्क एरिया दिखेगा, कहीं लाइट, डार्क एरिया लाइट एरिया, यानी कि इसमें बैंडिंग है जिसको हम बोलते हैं डार्क एंड लाइट बैंडिंग। ठीक है, ये बैंड्स प्रेजेंट है, डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो अरेंजमेंट है वो कैसा आता है, डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट, स्ट्राइटेड अरेंजमेंट आता है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राइटेड, ये नीचे लिखा है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्राइटेड, क्योंकि डार्क और लाइट अरेंजमेंट है, डार्क लाइट बैंड्स प्रेजेंट है। ये डार्क और लाइट बैंड्स क्यों है, क्योंकि बेटा लाइट वाली जगह पर एक्टिन है, डार्क वाली जगह पर क्या प्रेजेंट है, मायोसिन अरेंज्ड है। मसल की जो बाहर वाली लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको बोला जाता है सार्कोलेमा। क्या बोला जाता है, सार्कोलेमा। ये जो मसल है बेटा, दिस इज एक्चुअली मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल। स्केलेटल मसल क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। कहाँ पाई जाती है, लिम्स में, बॉडी में, जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में, लिम्स तुम्हारे कंट्रोल में, तुम्हारा नेक तुम्हारे कंट्रोल में, कैसे 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 घुमा लो। ठीक है जी, वॉलेंट्री एरिया में ये पाई जाती है। ठीक है जी, सिलेंड्रिकल शेप है, ये मैंने आपको ऊपर यहां पर बनाकर दिखा दी। वॉलेंट्री, क्या ये थकती है, हाँ जी इजीली थक जाती है, इजीली फटिक्ड, दिस इज इजीली फटिक्ड। ठीक है, इजीली फटिक्ड, ओके। चलो नेक्स्ट आ जाओ बेटा स्मूथ मसल पे, किस पे आ जाइए, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल अगर तुम देखोगे, इट इज एक्चुअली स्पिंडल फाइबर सेल्स। ये देखिए इस तरीके से स्पिंडल फाइबर सेल्स होते हैं। ठीक है, इसमें कोई डार्क एंड लाइट अरेंजमेंट नहीं होता, यहाँ पे ऐसे लंबे लंबे मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इस स्पिंडल शेप को हम लोग बोलते हैं फ्यूसी फॉर्म, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फ्यूसी फॉर्म शेप है। कैसा है बेटा, फ्यूसी फॉर्म शेप है, सेंटर में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। ये ऐसी जगह प्रेजेंट है जहां पर कोई भी डार्क लाइट फाइबर्स बैंडिंग नहीं है। अगर बैंडिंग नहीं है तो इसको बोलेंगे अनस्ट्राइटेड, क्या बोलेंगे, अनस्ट्राइटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड, अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, कोई ब्रांचिंग नहीं है। अब ये दो तरीके का स्मूथ मसल होता है, ये मैं तुमको यहां पर सिखा देती हूँ। स्मूथ मसल दो तरीके का होता है, देखिए कई बार स्मूथ मसल ऐसा है जिसके अंदर डार्क और गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो दो तरीके का स्मूथ मसल बताऊंगी, एक का नाम है सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, सिंगल यूनिट, और एक का नाम है मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल वो है जिसके अंदर दो सेल के बीच में गैप जंक्शंस प्रेजेंट है। ये क्या है, गैप जंक्शन। इससे क्या फायदा होता है कि जो इंपल्स इसके पास आया वो फटाफट से गैप से होते हुए इस सेल के पास भी चला जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा जो सेल है, पूरा का जो टिश्यू है, ऑर्गन है, वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल तुमको कहां देखने को मिलता है, यूट्रस में। देखो यूट्रस पूरा का पूरा एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर बेटा। ऐसे तो नहीं है कि लेफ्ट साइड से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, राइट से नहीं कर रहा, नहीं, पूरा का पूरा एक साथ कॉन्ट्रैक्ट जब होता है उसको बोलते हैं सिंगल यूनिट। और ये किस लिए पॉसिबल है, क्योंकि बीच में गैप जंक्शंस प्रेजेंट है। दूसरा है मल्टी यूनिट। मल्टी यूनिट बेटा आपस में कनेक्टेड नहीं है सेल, नो गैप जंक्शन, जैसे सेल्स ऑफ योर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल के सेल बेटा, मान लो इधर मच्छर काटा है तो इधर के सेल ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बाकी क्यों होंगे, ठीक है, बाकी क्यों होंगे, ठीक है। सो इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स में, एंड इरेक्टर पिलाई मसल ऑफ हेयर। जब हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, है ना, रोंगटे खड़े होते हैं, डर लगता है, पेपर आ गया, रोंगटे खड़े होते हैं, पापा ने पकड़ लिया, मम्मी ने पकड़ लिया, फोन चला गया मम्मी के पास, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो क्या रोंगटे आपके बालों के भी खड़े हो जाते हैं, सिर के बाल के नहीं, बस इतने ही बालों के होते हैं, यानी कि ये जो मसल है बालों के नीचे वाली, हेयर फॉलिकल के नीचे वाली, इरेक्टर पिलाई मसल, ये मल्टी यूनिट है। मतलब कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्ट करे, ऐसे नहीं कि पूरी बॉडी के सारे बाल खड़े हो गए, नहीं, सारे बाल खड़े नहीं होते हैं, ठीक है जी, यस। चलो सारे बाल खड़े नहीं होते, तो मैंने तुम्हें दो तरीके का स्मूथ मसल बता दिया है। बाकी बेटा ये इनवॉलेंट्री है, इसको विसरल मसल भी बोलते हैं। विसरल यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होगा, जैसे कि इसोफेगस का पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर, देखो एंटीरियर पार्ट आपके स्केलेटल में ही आएगा, ये तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन पोस्टीरियर टू थर्ड पार्ट क्या है, आपका स्मूथ मसल है। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, आयरस, यूट्रस, ये सब जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, इंटरनल ऑर्गन है, विसरा है, वो सब आपके स्मूथ मसल के पास आ जाएगा, ठीक है, स्मूथ मसल के पास आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कार्डियक मसल, इधर आके बनाती हूँ। कार्डियक मसल को अगर बेटा ध्यान दे तो ये भी सिलेंड्रिकल सेल्स है, लेकिन इनमें ब्रांचिंग है, देख रहे हो, ये ब्रांचिंग है,
Yes, so these are the branching. ओके okay, अब इन ब्रांचिंग में ये जो दो सेल है, मान लीजिए एक सेल है फिर दूसरा है, दो है, अगेन दीज सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड लाइक स्मूथ मसल, यूनिन्यूक्लिएटेड है. बीच में बेटा यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है इंटरकैलेटेड डिस्क. कैन यू सी यहां पर क्या तुमको दिखाई देंगे, इंटरकैलेटेड डिस्क. ये भी असल में गैप जंक्शन ही है, ये भी गैप जंक्शन है जो कि बूस्टर की तरह काम करते हैं. क्या मतलब है, अगर कोई मैसेज कार्डियक मसल के इस सेल को मिला तो इंटरकैलेटेड डिस्क के द्वारा फटाफट से सारे सेल्स को मिल जाएगा, सारे सेल को मिल जाएगा. बेटा ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क है सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल का ही प्रॉपर्टी है और किसी में नहीं पाया जाता है. ये काम करता है बूस्टर, बूस्टर की तरह काम करता है. मान लो बेटा आपके एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक भी सेल को सिग्नल मिला पूरा का पूरा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है. किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस इंटरकैलेटेड डिस्क. ठीक है जी, इंटरकैलेटेड डिस्क यूनिन्यूक्लिएटेड है, इनवॉलेंट्री है, हार्ट के अराउंड प्रेजेंट होता है. इसके पास बेटा फेंट स्ट्राइशंस होती हैं, प्रॉपर लाइट और डार्क नहीं है लेकिन फेंट स्ट्राइशंस प्रेजेंट है. कभी भी नहीं थकता बेटा, ये अगर ये थक गया ना तो यार हम थक जाएंगे लाइफ लॉन्ग, ये कभी भी नहीं थकता है. ठीक है, तो ये हो गया कार्डियक मसल. क्या है, इनवॉलंटरी ऑब्वियसली. यस, तो अंजलि आप भी जाना चाहते हो, आप भी चले जाओ. बड़े इनको टेंशन हो रही है, अरे मैम 1200 बच्चे कहीं चले गए. बेटा जाने दो, जिनको जिनको सीखना है वो रहेंगे, जिनको लगता है कि यार सिर्फ एपिथेलियल में से सवाल आना था बाकियों में से आना ही नहीं है वो चले जाएंगे. ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको इतना क्या टेंशन हो रही है, हैं भाई इतनी टेंशन क्या हो रही है. तीनों तरीके का मसल हो गया, मस्कुलर टिश्यू डन. लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू हमारे पास बचा है जिसका नाम है नर्वस टिश्यू. बड़ा इंपॉर्टेंट टिश्यू है. क्या नाम है, नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू का जो ओरिजिन है दैट इज एक्टोडर्मल. यस, इसका जो ओरिजिन है दैट इज गोइंग टू बी एक्टोडर्मल. देखो सबके बस का थोड़ा, सबके बस का थोड़ा सुनना, सबके बस का थोड़ा रिवाइज करना, यही है बेटा. तुम्हारी जो कंसंट्रेशन है ना थोड़ी देर के लिए रहती है, उसके बाद यही बेटा. जो बच्चे उन 17 लाख के बीच में वो भाग गए, जो 1 लाख के बीच में आना चाहते हैं जिनका सिलेक्शन हो रुकेंगे. ठीक है, वो रुकेंगे. अब यार इस नर्वस टिश्यू में इसमें एक्सेप्शन भी है बेटा, एक्सेप्ट माइक्रोग्लायल सेल. वैसे तो एक्टोडर्मल ओरिजन है बट एक एक्सेप्शन है माइक्रोग्लायल, इसका मेसोडर्मल है. ठीक है जी, चलिए. अब अगर तुम यहां पर ध्यान दोगे तो यार नर्वस टिश्यू जो है इसमें टू टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, दो तरीके के सेल्स हैं. कौन से सेल्स हैं, एक सेल तो तुम जानते हो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरॉन. एक तो है अपना न्यूरॉन, दूसरे जो सेल्स हैं एडिशनल सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं न्यूरोग्लायल सेल. अब बंदा सोचता है कि यार नर्वस टिश्यू में ना न्यूरॉन ज्यादा होंगे, न्यूरोग्लायल सेल कम होंगे, लेकिन बेटा यहीं पे खेल गए हैं और मोर देन 50% बेटा आपके न्यूरोग्लायल सेल होते हैं वॉल्यूम वाइज, और बचे हुए आपके क्या हैं, न्यूरॉन. तो ये नहीं कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल है तो इनका क्वांटिटी भी ज्यादा है. क्वांटिटी किसका ज्यादा है, न्यूरोग्लायल सेल का ज्यादा है. कौन से न्यूरोग्लायल सेल है, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है. कौन से बेटा न्यूरोग्लायल सेल है, ये रहे एस्ट्रोसाइट, श्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लायल, ये सब न्यूरोग्लायल है. टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लायल सेल कौन से हैं, स्टार शेप्ड एस्ट्रोसाइट, श्वान सेल याद है, यस, बनाते हैं ना न्यूरॉन के डायग्राम में आपके माइक्रोग्लायल जो ऊपर लिखे हैं, मतलब जो भी तुम्हें एक्स्ट्रा दिख रहा है ना ओलिगोडेंड्रोसाइट. ये आयान खान कौन है, इस समय फोन कर रहे हैं, ये आप ही के फोन आ रहे हैं बेटा. ठीक है, आप क्या चाहते हो, फोन वोन बंद कर दूं मैं, तुमको नंबर किस लिए दिया था कि तुम मतलब क्लास में डिस्टर्ब करो, अभी बच्चा क्लास में बैठा होगा पक्का और सवाल पूछेगा कि मैम मेरी तैयारी नहीं हो रही बता दो, है क्लास के बीच में कॉल करेंगे, मैम मेरी ना प्रिपरेशन नहीं हो रही. बेटा क्लास इन लगा रहे हो, प्रिपरेशन कहाँ से होगी, कोई बताए इस आयान खान को जाकर कि इनका नाम क्लास में लिया गया था और अच्छे तौर पर नहीं लिया गया, बेइज्जती करी गई थी. ठीक है, यस. न्यूरॉन की अगर बात करें, न्यूरॉन के दो हिस्से हैं, अभी मैं डायग्राम भी आपको बनाकर दिखाती हूँ. पहला हिस्सा है साइटोन, ठीक है, साइटोन को सोमा भी बोलते हैं, साइटोन को पेरिकेरियन भी बोलते हैं, सेल बॉडी भी बोलते हैं. दूसरा हिस्सा क्या होंगे, न्यूराइट. न्यूराइट मतलब साइटोन में से क्या निकलता है, तो तुम बोलोगे साइटोन में से एक लंबी सी डंडी निकलती है जिसका नाम है एक्सॉन और कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है जिसका नाम है डेंड्राइट.
ठीक है, क्या है डेंड्राइट, ओके, लंबी सी डंडी इज एक्सॉन, ये जो छोटी सी छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं डेंड्राइट, एक्सॉन एक होती है और लॉन्ग होती है, ये डेंड्राइट मेनी होते हैं और शॉर्ट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, एक्सॉन ब्रांच नहीं होती है, ठीक है जी, एक्सॉन ब्रांच्ड नहीं होती है, ठीक है। अब यार अगर मैं न्यूरॉन का डायग्राम बनाऊं डायग्राम, हाँ देख लो, न्यूरॉन का बेटा जी अगर डायग्राम बनाए तो यार सेंटर में मुझे क्या दिखाई देता है, एक न्यूक्लियस, देन बेटा ये है अपनी सेल बॉडी, ठीक है, ये है अपनी सेल बॉडी, वैसे बेटा ये डायग्राम हम बनाते हैं नर्वस टिश्यू वाले चैप्टर में भी, तो एक बारी कोई बात नहीं मैं यहाँ पर बना देती हूँ। एक चीज़ बेटा मैं बता रही हूँ, अगर आपको वो करना है सार्कोलेमा और सार्कोमियर का डायग्राम करना है तो आप प्लीज लोकोमोशन बारे में से करें, क्वेश्चन उसके होंगे इसमें, बट हम लोग उसको लोकोमोशन में पढ़ेंगे, मैं दोबारा चीजें नहीं कराऊंगी, तो जो जिस चैप्टर में हो गया वो हो गया, बट जब आप इसकी डीपीपी में आपके साथ शेयर करूंगी, आपको पता है मैंने आपको डीपीपी देनी है, इस डीपीपी में आपको क्वेश्चन सार्कोलेमा पर भी होंगे, ठीक है, तो वो मैं उसमें ही कराऊंगी, अगर आपको करना है तो आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमने लोकोमोशन भी तो करना है। तो यार ये अपनी छोटी छोटी डेंड्राइट्स हैं, ठीक है जी, ओके ओके, ऐसी बना लो, ठीक है, यस दिस इज अ न्यूक्लियस। सो ये जो ऊपर वाला हिस्सा तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस ऊपर वाले हिस्से को बेटा हम क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोन, सेल बॉडी साइटोन सोमा पेरिकेरियन। ये जो बेटा लंबा सा हिस्सा है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन, ये जो आखिरी में तुमको दिखाई दे रहा है दिस इज एक्सॉन टर्मिनल, क्या है बच्चों, ये एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। साइटोन में से कुछ ब्रांचेस निकली, इन ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स, क्या बोलते हैं इनको, डेंड्राइट्स, ठीक है जी। अब इस में साइटोप्लाज्म यानी कि न्यूरोप्लाज्म तो होगा ही होगा, साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल बॉडीज प्रेजेंट हैं जो कि इसका RER है, कहां कहां पर होंगी, साइटोन में भी होंगी और डेंड्राइट में भी होंगी, इसको हम लोग बोलते हैं निस्सल ग्रैन्यूल्स, क्या बोलते हैं, निस्सल ग्रैन्यूल्स। कोई पूछे कि निस्सल ग्रैन्यूल का सच क्या है, तुम बोलोगे निस्सल ग्रैन्यूल का सच है कि अरे RER है, RER प्लस राइबोसोम है, ER प्लस राइबोसोम है, क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, कौन सा प्रोटीन बनाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, ये प्रोटीन जाके स्टोर कहाँ होता है, तुम बोलोगे इन साइनाप्टिक नॉब्स में, न्यूरोट्रांसमीटर जाकर स्टोर हो जाता है, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तुम बोलोगे साइटोन में भी और डेंड्राइट में भी, क्या एक्सॉन में है, एक्सॉन में नहीं है, एक्सॉन के बाहर स्पेशलाइज सेल्स हैं जो कि ग्लायल सेल्स हैं जिनका नाम है श्वान सेल, कौन से सेल्स मैंने यहाँ पर मैंने बनाए श्वान सेल, ये होते हैं बेटा, ये न्यूरॉन के अराउंड होते हैं, ठीक है, यस, ये कौन से हैं, श्वान सेल्स हैं। कई बारी कुछ न्यूरॉन में श्वान सेल रिलीज करते हैं एक वाइट कलर का इंसुलेटिंग मटेरियल, इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन, कई बारी रिलीज करते हैं, सब में नहीं रिलीज करते, अगर रिलीज कर रहे हैं तो ऐसा शीथ टाइप स्ट्रक्चर बना लेगा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, यस, अगर करेंगे तो वो माइलिनेटेड न्यूरॉन है, नहीं करेंगे तो अनमाइलिनेटेड है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो दीज सेल्स ग्लायल सेल्स आर श्वान सेल्स, श्वान सेल्स अगर रिलीज कर रहे हैं व्हाइट कलर का मटेरियल, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, ये जो माइलिन शीथ है ये व्हाइट कलर इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मतलब यहां से करंट पास नहीं होगा, बीच में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां माइलिन शीथ इज एब्सेंट, जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट है उसको बोला जाता है नोड ऑफ रणवीयर, नोड ऑफ रणवीयर, रणवीर सिंह नहीं है बेटा ये क्या है, नोड ऑफ रणवीयर, और तुम यहाँ पे रणवीर सिंह तकड़ तकड़ तक क्या है वो ततड़ 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 करने लग जाओ, ठीक है। सो दीज आर नोड ऑफ रणवीयर वेयर माइलिन शीथ इज एब्सेंट, ठीक है जी। अब नीचे जो तुमको दिखाई दे रहा है ये सारे एक्सॉन टर्मिनल है, एंड दिस इज योर साइनाप्टिक नॉब, नीचे क्या है, साइनाप्टिक नॉब। ये जो न्यूरॉन तुमने यहां देखा, ये कैसा न्यूरॉन देखा, मल्टीपोलर न्यूरॉन देखा, माइलिनेटेड न्यूरॉन देखा, मल्टीपोलर माइलिनेटेड न्यूरॉन तुमने यहां पर देखा, बॉडी में माइलिनेटेड भी है अनमाइलिनेटेड भी प्रेजेंट है। यार श्वान सेल जो है ये माइलिन शीथ बनाते हैं, लेकिन बेटा श्वान सेल माइलिन शीथ बनाते हैं
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, किसमें? पीएनएस में। अगर कोई तुमसे पूछे कि यार माइलिन शीथ सीएनएस में कौन बनाता है, तो तुम बोलोगे दैट इज नॉट श्वान सेल, सीएनएस यानी कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में माइलिन शीथ बनाते हैं ओलिगो डेंड्रोसाइट। ठीक है, ततर तो नहीं कर रहे हो? हाँ, ओलिगो डेंड्रोसाइट। ओके जी, तो पीएनएस में माइलिन शीथ श्वान सेल, आपके CNS यानी कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में माइलिन शीथ कौन बनाता है? ओलिगो डेंड्रोसाइट। ये चीज आपको याद रखनी है। जैसा कि मैंने बताया, ये एक मल्टीपोलर न्यूरॉन है। जरूरी नहीं है बॉडी में सारे न्यूरॉन ही मल्टीपोलर है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। जैसे कुछ न्यूरॉन है जिनका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, जैसे हाइड्रा में पाया जाता है, दिस इज ए पोलर न्यूरॉन, एग्जाम्पल हाइड्रा, कोई डायरेक्शन नहीं है। कुछ न्यूरॉन ऐसे हैं जिनका सिंगल डायरेक्शन है, इस तरीके से, दिस इज यूनिपोलर न्यूरॉन, आपके एम्ब्रियो में पाया जाता है, एक ही जगह, वहीं से एंट्री वहीं से एग्जिट। कुछ न्यूरॉन ऐसे हैं बेटा विच आर बाइपोलर, हमारी ही रेटिना में पाए जाते हैं, यहां से एंट्री यहां से एग्जिट, दे आर फाउंड इन आवर रेटिना ऑफ आई में पाए जाते हैं। फिर बेटा कुछ न्यूरॉन ऐसे हैं जो कि स्यूडो यूनिपोलर है। देख रहे हो कि शुरू तो हुआ था यूनी से, ये यूनी है, लेटर ऑन इट बाइफरकेट्स, तो ये हो गया स्यूडो यूनिपोलर। ये जो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है कहां पाया जाता है? डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो क्यों बोला? झूठा, कि पहले तो यूनिपोलर निकल रहा था फिर अचानक से बाइफरकेट कर गया, दैट इज स्यूडो यूनिपोलर। और जो मैंने क्लासिक न्यूरॉन अभी बनाया है, ये क्लासिक न्यूरॉन, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये मोस्टली आपकी बॉडी में पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में मल्टीपोलर। तो हमने जो डायग्राम बनाया है वो किसका बनाया है? मल्टीपोलर का बनाया है, यूनिपोलर एम्ब्रियो में, बाइपोलर आपके रेटिना में, और स्यूडो यूनिपोलर डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। ये इस पे बड़ा सवाल आता है, बहुत हंसी आ रही है ना, बहुत हंसी आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा किस लिए हंसी आ रही है, बट हंसी आ रही है। अब यार मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, इट इज एक्चुअली सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। जैसे अगर मैं यहां पर ध्यान दूं, ये आपकी नर्व है, ये आपकी क्या है? नर्व है। नर्व को सराउंड करने के लिए कनेक्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू की शीत है। इस लूज कनेक्टिव टिश्यू की शीत को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं एपिन्यूरियम। यस, इसको क्या बोलते हैं? एपिन्यूरियम। देख रहे हो क्या बोलेंगे इसको? एपिन्यूरियम। मसल में होता तो एपिमाइसियम, एपिन्यूरियम। ये क्या है? आपका पूरा नर्व है। ठीक है, नर्व के अंदर बने हुए हैं बहुत सारे बंडल्स, इन बंडल्स को हम लोग बोलते हैं फैसिकुलाई। यस, इन बंडल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फैसिकुलाई। ठीक है, मसल में भी इसको फैसिकुलाई बोलते हैं। दिस फैसिकुलाई इज आल्सो सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाहर भी बेटा कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, यहां पर भी कनेक्टिव टिश्यू है, यहां पर भी कनेक्टिव टिश्यू है। इसको बोलते हैं पेरिन्यूरियम। इसको क्या बोलते हैं? पेरिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम। ये कलर दिख रहा है? हाँ, इसके अंदर एक्चुअल में ये एक्सॉन्स दिखाई दे रहे हैं, नर्व सेल्स दिखाई दे रहे हैं। इन नर्व सेल के बाहर भी क्या है? एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग है। इसको बोलते हैं एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम। समझ रहे हो? पूरे नर्व के बाहर एपिन्यूरियम, बंडल के अराउंड पेरिन्यूरियम, और एक्चुअल सेल के बाहर आपको मिलेगा एंडोन्यूरियम। यही मसल में होता तो माइसियम लग जाता, वहां पर पूरी मसल के बाहर एंडोमाइसियम, माइसियम, फिर फेसिकुलाई के बाहर पेरिमाइसियम, और एक्चुअल मसल फाइबर के बाहर एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम। ओके जी, एपी पेरी एंडो, दोबारा से सुनो, एपी पेरी एंडो। कई बार इस पे भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल आ जाता है। ठीक है जी, अब आपको पता है नर्व्स, नर्व फाइबर, न्यूरॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं? नर्व बनाते हैं। जो सेंसरी नर्व है वो सिग्नल लेकर आती है टुवर्ड सीएनएस, पता है ना, सेंसरी, और इसको एफरेंट भी बोलते हैं। ये बेटा सिग्नल लेकर आती है टुवर्ड सीएनएस, फिर सीएनएस से सिग्नल, अरे इसको क्या हो गया बेटा, सीएनएस से सिग्नल वापस जाता है वाया मोटर और इफेक्टर। ठीक है जी, तो ये बेसिक है, ज्यादा हम इसका डिटेल वहीं पर करेंगे, मैंने काफी बता दिया, इतना तो चैप्टर में दिया भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हो गया।
ये बता दिया मैंने, स्मूथ मसल बता दिए, कार्डिक मसल का डायग्राम देख लो बेटा, डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकता है, न्यूरल टिश्यू में देख लो यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम क्या है, ये है, और न्यूरोग्लियल सेल्स बेटा हाफ वॉल्यूम, वन हाफ वॉल्यूम बनाते हैं नर्वस टिश्यू का, क्या करेंगे न्यूरॉन स्टिमुलेट करते हैं और मैसेज जाता है। अब ध्यान देना बेटा मैसेज कहाँ से कहाँ जाता है, हमेशा याद रखना मैसेज जाने की डायरेक्शन हमेशा ये रहती है, यानी कि पहले मैसेज डेंड्राइट रिसीव करेंगे, फिर सेल बॉडी के पास जाएगा, फिर एक्सॉन के पास जाएगा, कभी भी मैसेज उल्टा नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि मैसेज एक्सॉन से सेल बॉडी जा रहा है, नहीं, मैसेज विल ऑलवेज ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन बेटा यूनिडायरेक्शनल है, बाई नहीं है, ऐसा नहीं कि कहीं भी डायरेक्शन है, ठीक है जी। तो ये डायग्राम आपका न्यूरॉन का बना हुआ है, नर्वस टिश्यू का बना हुआ है इन योर एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें तुमको न्यूरॉन दिख रहा है और इसके आसपास जो भी सेल्स हैं जो कि 50% अप टू वॉल्यूम बनाते हैं, दैट इज न्यूरोग्लियल सेल्स। ये क्या है, न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, ओके। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है, कार्डियक सेल्स, ये स्मूथ मसल्स वाले फ्यूसीफॉर्म सेल्स, ये आपके सिलेंड्रिकल यानी कि स्केलेटल मसल के सेल्स, ठीक है जी। चलिए मसल के सेल को क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल बोलते हैं, ठीक है। मसल छोटी हो सकती है, रिलैक्स हो सकती है, क्योंकि मसल टिश्यू की प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी इलास्टिसिटी, राइट गाइस। ये बोन का डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, और कार्टिलेज भी दिखा देती हूं मैं, कार्टिलेज एनसीईआरटी वाला ये रहा, ये एनसीईआरटी वाला कार्टिलेज है, हाँ जी। तो विद दिस नाउ वी आर डन विद एडिपोज टिश्यू, पूरा हो चुका है एडिपोज टिश्यू के, एनिमल टिश्यू पूरा हो चुका है। बता दो फटाफट से कैसा लगा, ये इसके डिटेल नोट्स हैं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये इसके माइक्रो नोट्स हैं। माइक्रो नोट्स में बस इतना ही आता है, माइक्रो नोट्स में ये आता है, ये इसके माइक्रो नोट्स हैं। तो आप देख रहे हो, देख रहे हो सब कुछ, और ये इसकी डीपीपी है, ये रही डीपीपी, ये डीपीपी है, ठीक है, स्पेशली बेटा आपके लिए बनाई गई है डीपीपी, माइक्रो नोट्स, डिटेल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, व्हाट एल्स डू यू वांट फ्रॉम मी, बता दो। और जो चाहिए होगा मैं वो हर चीज़ प्रोवाइड करूंगी, व्हाट एवर इज नेसेसरी आई विल गिव, आई विल नॉट ओवरवेलम यू, जो जो चीज़ चाहिए बेटा वो आपको मिलेगी। बस आपसे मुझे एक प्रॉमिस चाहिए कि हर दिन आप रेगुलर क्लास लगाएं, रेगुलर लगाएंगे तभी बेटा चीज़ें रिटेन हो पाएंगी, अदरवाइज चीज़ें रिटेन नहीं हो सकती हैं। ये एक क्रैश कोर्स है, जिस पैशन से तुम आज आए थे उसी पैशन से बेटा कल आना, ताकि कल आप ब्रीदिंग वाला चैप्टर, ब्रीदिंग तो अमेजिंग चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा यार वो चैप्टर देख के, कल ब्रीदिंग करेंगे। मुझे कमेंट्स में बता देना है डाइजेशन करना है या नहीं करना है, दोबारा मैं करना हुआ तो मैं दोबारा करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ आप कमेंट्स में क्या बताएंगे, कैसा लगा आज का सेशन, और 40 डे चैलेंज में डे वन इज नाउ डन, यस बेटा 40 डे चैलेंज चल रहा था, तो अपना जो डे वन है ये सब लिख के जाएंगे, जिस जिस बच्चे ने पूरा सेशन अटेंड करेगा करा है वो कहेंगे #40daychallenge डे वन इज कंप्लीटेड, कंप्लीटेड ये लिख के जाओगे बेटा, डे वन कंप्लीटेड है, तभी बेटा बात बनेगी। मुझे आपसे एफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए कि आपने डे वन लगाया है, तभी आप डे टू डे थ्री पे आ पाएंगे, और मैं आपको 40 दिन तक लेके जाऊंगी। जोश बस बरकरार रखना है, मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि जीत यहाँ पर कछुए की होगी, खरगोश की नहीं होगी, याद रखना है। तो कछुए की चाल हर दिन चलते रहना है, ठीक है, हर दिन चलते रहना। एक चीज़ बेटा आपको दिखा दूँ रुकिए, यस लेट मी जस्ट शो यू। आपने क्या ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज AIMT में एनरोल कर लिया, मैंने कल बताया था स्पेशली आकर कि AIMT जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा आपके लिए चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट इज गोइंग ऑन, हर संडे आपका मॉक टेस्ट होगा, एनरोल कर लो, कोड क्या लगाइएगा, सीप लाइव। बाकी बेटा जो बच्चे 2024 और 5 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अमेजिंग ऑफर है, 20% ऑफ चल रहा है, कितना 20% ऑफ, और साथ में फ्री 2 months भी आपको मिल रहे हैं, तो कोड लगाना है सीप लाइफ। मेरे नए बैचेस शुरू हो चुके हैं 2025 और 4 के लिए, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो बेटा मेरी और मेरी अमेजिंग टीम के साथ आप मेरे आरंभ बैच में जुड़ सकते हैं, जो कि 2025 के लिए, कितने के लिए 2025, बस आपको इस पूरे बैच के लिए सिंगल कोड लगाना है, दैट इज गोइंग टू बी सीप लाइफ। ये सिंगल कोड लगाओ और पहुंच जाओ इस बैच में, नोट्स, डीपीपीज, मेंटोरशिप, गाइडेंस, एवरीथिंग इज देयर इन दिस अमेजिंग इन दिस डिटेल्ड कोर्स ऑफ 2 ईयर। ये 2 ईयर का कोर्स है, 2 ईयर का कोर्स है, सिर्फ 26,999 में, ओके जी। नेक्स्ट बेटा अर्ली बर्ड ऑफर भी चल रहा है बहुत सारे बैचेस पे, हर जगह आपको कोटा में करना है या किसी और ऑफलाइन में भी करना है या मेरे से ऑनलाइन पढ़ना है, सिंपली बस कोड लगाना है आपको और मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना इसका, दैट्स इट।
बात खत्म हो जाएगी वहीं पे. आई विल गाइड यू कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है. ठीक है, चलो जी. तो विद दिस वी आर डन विद द एनिमल टिश्यू पार्ट. कल ब्रीदिंग करते हैं. सेशन अच्छा लगा तो याद कमेंट करना, लिख के जाना डे वन कंप्लीटेड. आई विल बी लुकिंग एट योर कमेंट्स. अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर करो एंड थैंक यू सो मच गाइज़.